साहब साहब चाय। हाँ वहां रख दो टेबल पर। यस सर। मिस सूद, वो यामागुची कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट का ड्राफ्ट अगर तैयार हो तो ले आइए क्विक। ओके सर। मिस मिली जी, वो जापान वाली कॉन्ट्रैक्ट का ड्राफ्ट बना? हाँ ये। ठीक है, ये मैं सर से अप्रूव करवा के लाती हूँ। आप जब फाइनल टाइप करें तो पैराग्राफ्स में थोड़ी सी और स्पेस। श्योर। सर ये रहा ड्राफ्ट, आप अप्रूव कर दीजिए, मैं फाइनल कॉपी टाइप करवाती हूँ। ओके। सर आपकी चाय ठंडी हो रही है, मैं बना दूँ? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद बना लूंगा। थैंक यू। ओके सर। सर सर ये हिसाब में कुछ गड़बड़ लग रही है, 2,30,000 येन की बजाय 3,30,000 येन होना चाहिए सर। अच्छा ओके, मैं देखता हूँ। मिस्टर कॉल, yes, ये फिगर जरा चेक कर लीजिए। हाँ नीमा, आज जरा देर हो जाएगी, एक जरूरी मीटिंग है। नहीं नहीं, 8:30 तक पहुंच जाऊंगा। अच्छा। आई एम सॉरी। प्लीज बी अ लिटिल मोर केयरफुल इन फ्यूचर। ओके बज गए सर। हाँ आप लोग जा सकते हैं, मैं कुछ देर और काम करूंगा यहाँ। आप चपरासी से कह दीजिए रुक जाए। सर इफ यू वांट, मैं रुक जाती हूँ सर। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। थैंक यू। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। हेलो उठो, आज तो लग रहा था फंस गए। पता है क्यों? बॉस अभी भी ऊपर काम कर रहे हैं। मैंने कहा सर मैं रुक जाती हूँ, तो बोले कि क्या? तुम्हें क्या जरूरत है अपनी तरफ से ये सब बातें करने की? नहीं बैठ, ये जो बॉसेस होते हैं ना, जो तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों को सेक्रेटरी रखते हैं, इनके इरादे अच्छे नहीं होते। क्या बात करते हो, बेचारे मेरी तरफ कभी आंख उठा के भी नहीं देखते। आंख उठाकर भी नहीं देखते? बाप रे बाप, ये तो और भी डेंजर सर, बहुत ही खतरनाक। खतरनाक? अरे अपने बॉस जैसा शरीफ आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा है। मुझसे भी ज्यादा शरीफ? तुम तो एक नंबर के लफंगे हो। मुझ जैसी शरीफ लड़की को दिल्ली से बंबई आने पर मजबूर कर दिया ना? बंबई आने पर मजबूर किया था, बंबई में नौकरी करने पर तो मजबूर नहीं किया था। अरे नौकरी क्यों नहीं करूंगी, पढ़ाई लिखाई किस लिए होती है? तुम जैसी लड़कियां देश की दुश्मन नंबर वन है, पब्लिक एनिमी नंबर एक। वो कैसे? देखो तुम तो अच्छे खासे खाते पीते घराने की लड़की हो, पैसे लगते की तो कोई कमी नहीं, शौकिया तौर पर नौकरी करती हो, लेकिन जिस बेचारे को इस नौकरी की सख्त जरूरत थी उससे तो नौकरी छीन ली ना तुमने, इंडिया की बेरोजगारी में इजाफा किया तुमने। ब्रिलियंट थ्योरी प्रोफेसर। थैंक यू वेरी मच। लगता है आप थीसिस भी इसी सब्जेक्ट पे लिख रहे हैं। सोच रहा हूँ। फिलहाल ये बताइए चलना कहाँ है? सीधे घर। हैं? हाँ भाई, वो मिस्टर और मिसेस बेनर्जी की वेडिंग एनिवर्सरी ना आज। ओ मैं भूल गया था। और रास्ते में फूल और मिठाई लेते हुए जाएंगे। फूल और मिठाई? देखो मैं तुम्हें रोज लिफ्ट देता हूँ, अब पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए तो मेरी जेब तो बिल्कुल खाली है।
तुम्हारे पास है पैसे? ज्यादा बकबक मत करो, जल्दी चलो। वेरी गुड। ये पांच पांच दस, दस और पांच पंद्रह, पंद्रह और पांच बीस, पैंतीस और पांच चालीस रख दो। सुनते हो? अरे आप भी क्या है? उसमें आप भी क्या? कुछ दिनों के बाद तो अंकल को यही कहना है। अंकल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही कहूंगा। अंकल ये इतने सारे ढेर से पान क्या इतने मेहमान के लिए हैं? क्या जब तुम्हारी शादी होगी और 40 मनीता को कुछ प्रेजेंट दोगे या नहीं? दे देंगे कुछ छोटा मोटा। हाँ बस बाबू, आज हमारी शादी की 40वीं सालगिरह है, इसलिए तुम्हारी आंटी को 40 पान तोहफे के तौर पर पेश कर रहा हूँ। 40 पान? आंटी को पान इतने पसंद है? अरे उसको कहाँ पसंद है, ये तो मैंने आदत डाल दी है अपने फायदे के लिए। आपके फायदे के लिए कैसे? बात यह है कि जब हमारी शादी हुई तो तुम्हारी आंटी को ऊंट लाल करने की आदत थी। बेटी तू जरा कान बंद कर। क्यों क्यों क्यों? अरे बाबा कान बंद कर, बंद कर। तुम्हारी आंटी को ऊंट लाल करने की आदत थी, वो होंठों को लाल कर लिपस्टिक लगा देती और लिपस्टिक लगे होंठों से मेरे होंठों को बड़ी तकलीफ होती थी, तो मैंने उसे पान खाने की आदत डाल दी, उसके होंठ भी लाल रहने लगे और मेरा काम भी हो गया। क्या बात अंकल, बताइए बताइए, हमको भी बताइए। कुछ नहीं कुछ नहीं। सुनो, शादी के बाद तुम पान खाया करोगे? क्यों क्यों क्या, होंठ लाल रहेंगे बस। होंठ तो लिपस्टिक से भी लाल रहते हैं। यही तो बात है। अरे अरे क्यों भाई, किस बात पर हंसी हो रही है? कुछ नहीं कुछ नहीं। बधाई हो आंटी, जीती रहो बेटी। अरे बैठो ना बैठो। हाँ बैठो बैठो बैठो, जरा तुम सीधा बैठो। पैर सीधा करो। देखा क्या इज्जत है हमारी, पूजा होती है पूजा। जाओ जाओ, इस धोखे में न रहना। हाँ पूजा तो मैं अपने लिए करती हूँ। अपने लिए? हाँ, ताकि 100 साल तक मांग में सिंदूर भर सकूं। बात यह है बेटा, सिंदूर बिना मेरी फोटो अच्छी नहीं आती। अंकल मैं भी सोचता हूँ कि जब इसके बाल सफेद हो जाएंगे ना, तब शादी करूंगा। नहीं वो क्या है कि सिंदूर के साथ तुम्हारी फोटो बहुत अच्छी है। ए बाबू ऐसा नहीं करना, इसके बाल सफेद होंगे तब तक तुम्हारा सर भी मेरी तरह गंजा हो जाएगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। भाई शादी हम जल्दी कर लेंगे। भाई अंकल और भाई कुछ जबरदस्त प्रोग्राम होना चाहिए। जरूर। एक मिनट ठहरो। आज अंकल और आंटी का हम दोनों गाना सुनेंगे। हाँ क्यों भाई, तुम क्यों गाओगे? शादी की सालगिरह हमारी है, हम गाएंगे। क्यों प्रिये? हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे ये तो जोड़ी का जमाना है। जगजीत सिंह चित्रा सिंह, राजन मेहता नीना मेहता, और ये बनर्जी, और ये राजलक्ष्मी बनर्जी। आज की बिजनेस मीटिंग बड़ी सक्सेसफुल रही, लगता है वो जापानीज फर्म का पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। चलो छुट्टी हुई। क्यों? 7 साल पहले जब शादी की थी तो कुछ ना कुछ बहाना करके 3-3:30 बजे घर भागे चले आते थे, फिर अपना बिजनेस शुरू किया तो 6:30 बजने लगे, फिर बिजनेस थोड़ा और बढ़ा
तो 8-9 बजने लगे। अब बिजनेस थोड़ा और बढ़ जाएगा तो 10-10:30 बजने लगेंगे। क्या ऐसे थोड़ा ही होता है? निके, निके बेटे, ए भूल गए निकी 3 दिन से नानी के घर पे। ओ हाँ हाँ, चलो उठो मुंह हाथ धो लो। नहीं पहले एक कप चाय पिलाओ। चाय वाय कुछ नहीं, चलो उठो पहले मुंह हाथ धो और खाना खाओ। चलो उठो, चलो खाना खाओ। जरा दरवाजा खोलो भाई, मैं कपड़े बदल रही हूँ। अरे भाई मुझे सिर्फ पेस्ट और ब्रश चाहिए। कहा ना मैं कपड़े बदल रही हूँ। तो तुम ही हाथ बढ़ा के दे दो ना, मैं निकी के बाथरूम में चला जाता हूँ। दरवाजा खोल दिया है, तुम खुद ही ले लो। एक बात पूछूं, अगर कहीं मेरी फोटो छपी देखी तो पहचान लोगे? क्यों, कहीं डांस प्रोग्राम दे रही हो क्या? मैं ये नहीं कह रही, मैं पूछ रही हूं कि अगर किसी अखबार में मेरी फोटो छपी हुई देखी तो पहचान लोगे? क्या बात करती हो, तुम्हारी फोटो नहीं पहचानूंगा? क्या पता, मुझे तो नहीं लगता। क्यों? सुबह उठते ही आंख खुलने से पहले अखबार मांगते हो, 3-3 अखबार पढ़ते हो, फिर नहाने चले जाते हो, नहाकर नाश्ते के टेबल पर भी अखबार नहीं छोड़ते, और रात को ये फाइलें। याद नहीं आता कब मेरी तरफ आंख उठा के देखा था। तुम्हें देखने के लिए आंखों की जरूरत पड़ती है? मन की जरूरत पड़ती है ना? मैं तुमसे अलग थोड़े ही हूं। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? याद है घर के काम से एक बार ऑफिस फोन किया था तो कह दिया था कि घर का काम घर में ही बताया करो? ऐसे ही ऑफिस का काम घर में नहीं चलेगा, समझे? ओके बाबा ओके। फिर ये भी रख दो, आखिर घर की बॉस तो तुम ही हो। सिर्फ घर की ही नहीं, जब तुम घर में हो तब तुम्हारी भी। हाँ मैंने कब ना कहा है। इधर मुंह करो। ए, जरा पीठ खुजला दो ना। नहीं प्लीज। जरा जरा नीचे, थोड़ा थोड़ा नीचे। अरे थोड़ा नीचे कहा मैंने, इतना नहीं, थोड़ा ऊपर। अरे थोड़ा बाएं, बाएं। तुम जानबूझ के शरारत कर रही हो। मुझे क्या पता तुम्हें कहाँ खुजली हो रही है। अच्छा पहले कैसे पता चलता था? मैं पहले की नीमा थोड़ी ही रही हूँ, 7 साल शादी को हो गए, एक बच्चे की माँ भी हो गई। बच्चे की मां हो गई हो, मेरी तो नहीं। तीन मृदंग झांज जप बाजत का पर नाचत कृष्ण कन्हैया धोपिन के संग राज रचावत नाच चावत साता तैया थई तैया थई तैया अरे साहब आप क्यों, कैसे हो शरण? ठीक हूँ साहब। साहब कहाँ हैं? साहब तो ऑफिस गए हैं साहब। ऑफिस गए? और मैम साहब? मैम साहब डांस कर रही। अच्छा मैम साहब गुलाम? नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ मैं बैठ। चाय ठंडा वंडा कुछ? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। वाओ कौन
भाभी का चरण दासू भाभी। अरे रवि भैया, कब आए आप नियोग से? बरसों के बाद हमको याद किया। आज रात सवेरे 3 बजे, 3 बजे प्लेन लैंड हुआ, 7 बजे कस्टम से निकला, थोड़ा सोया, सीधा तुम्हारे पास चला आया। आइए बैठिए। लगता है अजय का बिजनेस काफी फल फूल रहा है। सिर्फ बिजनेस ही फूल रहा है। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं। आप नहीं कुछ है, बताओ क्या बात है? कहा ना कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं है तो अजय की बिजनेस की बात करते इतनी उदास क्यों होंगे? देखो, मैं अजय का सबसे जिगरी दोस्त हूँ और तुम मुझे देवर नहीं भैया कहती हो, मुझे तो बताना ही पड़ेगा। बताओ। क्या बताऊं भैया, जब से बिजनेस शुरू हुआ है न उन्हें घर का ख्याल है, न बच्ची का, न बीवी का। ये आप मर्द लोग ऐसे क्यों होते हैं? शादी से पहले तो रात दिन निम्मा निम्मा करते थे और जब से बिजनेस शुरू हुआ है बस कॉन्ट्रैक्ट्स और फाइल्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और फाइल्स। इसमें अजय का कोई कसूर नहीं। हम हिंदुस्तानी होते ऐसे हैं, हम जिंदगी को कंपार्टमेंट्स में बांट देते हैं ट्रेन की तरह। शादी के पहले ये करो, शादी के बाद ये करो, बच्चे हो जाने के बाद ये करो। लेकिन ट्रेन में तो एक गार्ड होता है ना, यहाँ तो हर कंपार्टमेंट में एक गार्ड होता है। इससे तो पहले ही अच्छा था, गरीबी थी लेकिन जिंदगी में रस्त था। कम से कम ये तो लगता था कि कोई सोचता है मेरे बारे में, कुछ है जिंदगी में। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, मैं अजय को बहुत ही अच्छी तरह जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ। अजय जैसा अच्छा इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल है। आप इत्मीनान रखो भाभी, अजय के मन में तुम्हारे सिवा कोई नहीं। हो सकता है कि ऑफिस के कारोबार में, टाइपराइटरों में, फाइलों के नीचे उसका मन दब गया हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उसका मन निकाल लाऊंगा। नहीं भैया, आप उनसे कुछ मत कहिएगा। कहने की जरूरत क्या है? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। ये क्या है? तुम्हें म्यूजिक का बहुत शौक है ना, इसमें कुछ प्री रिकॉर्डेड कैसेट्स हैं और कैसेट बॉक्स है। हाउ लवली, थैंक यू। यू आर वेलकम। अच्छा अब मैं चलता हूँ। खाना खा के जाइएगा ना। खाने तो जा रहा हूँ। कहाँ? अजय के वहाँ, उसका सर खाने। ओके बाय। बाय भैया। Regarding supply of raw material, we are sorry to inform you that no intimation has been received by us so far. You must be aware that this needs immediate attention. Excuse me. Yes? मैं मिस्टर अजय शर्मा से मिलना चाहता हूँ। आपका अपॉइंटमेंट है? जी मेरी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। अच्छा तो आप नाम और बिजनेस लिख दीजिए। मैं आपको मेरा कार्ड दे देता हूँ, ये लीजिए। नाम है रवि कपूर, बिजनेस पर्सनल। वन मिनट, आप वहाँ बैठिए ना। जी वो रेक्सिन से मुझे एलर्जी है, खुजली हो जाती है, मैं यही बैठ जाता हूँ। आपने मेरा नाम तो जान लिया, आपका नाम जान सकता हूँ? अनीता सूद। अनीता सूद, वेरी गुड, मिस या मिसेस? यानी कि आप ये जानना चाहते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ या नहीं? साथ कोई काट। जब आपके नाम से ये पता नहीं चलता कि आप शादीशुदा हैं या नहीं, तो फिर आप मेरे बारे में इतने क्यूरियस क्यों हैं? जी, मर्द शादीशुदा है कि नहीं उसकी शक्ल से ही पता लग जाता है। जैसे आपको मेरी शक्ल से पता लग गया होगा कि मैं बैचलर हूँ, लेकिन आपके बारे में मैं जरा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि आपके गले में ना मंगलसूत्र है ना मांग में सिंदूर है, लेकिन आपने 3-3 अंगूठियां पहन रखी है। हो सकता है आप शादीशुदा हो सकता है आप कुंवारी हो सकता है आप डाइवोर्सी हो। आप मर्द लोग होते हैं बड़े चालाक। आफ्टर ऑल इट्स अ मैंस वर्ल्ड ना, मर्द की ही तो दुनिया है। नहीं जी, औरत के बगैर मर्दों की दुनिया ही क्या है। मुर्गी के बगैर अंडा क्या करेगा, अंडे के बगैर मुर्गी क्या करेगी। देखिए ना, औरत के लिए मर्द क्या क्या नहीं करता, दिन रात मेहनत करता है, घर बनाता है, शायरी लिखता है, अगर जिंदा है तो बुध बनाता है, अगर मर जाती है तो ताजमहल बनाता है। अरे रवि, तू कब आया? अंदर क्यों नहीं चला आया सीधा? नहीं प्लीज सिट डाउन। रवि, माय सेक्रेटरी, आई हैव ऑलरेडी मेट हर। पहले से जानता था उसे?
नहीं अभी अभी तो मिला हूँ। तो एक मिनट में अनीता से नीतू पे उतर आया। आहा, kill the cat on the first night, बच्चू, ये सब काम पहली बार में ही कर लेना चाहिए। तू बिल्कुल वैसे का वैसा रहा। लेकिन तू वैसे का वैसा नहीं रहा। इतनी शानदार ऑफिस, इतना बड़ा स्टाफ, इतनी तरक्की, क्या कोई स्पेशल इंस्पिरेशन है? हार्ड वर्क माय डियर बॉय, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत। मेहनत माय फुट। क्यों? अगर ऐसी खूबसूरत सेक्रेटरी मुझे मिल जाती ना, आय हाय, मैं भी अपने मुकद्दर को सिकंदर बना लेता। देख ऐसी बात यहां मत कर, अनीता बहुत शरीफ लड़की। ओहो, तो मैंने कब कहा कि शरीफ नहीं है? देख रहा हूं कि तेरी काफी देखभाल करती है। मेरी देखभाल क्यों करेगी, यहाँ ऑफिस का काम करने के लिए आती है, वही करती है। अच्छा अच्छा, ये पता नीतू ने आज कपड़े क्या पहने? पता नहीं, ख्याल नहीं किया। क्यों? यार तू उसकी तरफ आंख उठा के देखता तक नहीं? देख, उसका मुंह देखने के लिए उसे पगार नहीं देता, यहाँ का काम करने के लिए देता हूँ। अजय, एक खूबसूरत लड़की की तरफ आंख उठा के ना देखना उसका अपमान करने के बराबर है। अगर नीतू की जगह पे मैं होता ना, छोड़ के चला गया होता। और मेरी जगह तू होता ना, तो नीतू भी नौकरी छोड़ के चली गई होती। कौन 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 छोड़ के चली जाती नौकरी? नीतू, आई मीन अनीता, मिस सू। आई अंडरस्टैंड, समझ गया मैं। छोड़ यार, कुछ अमेरिकन कॉन्टैक्ट्स दे दे। अरे तू क्या अमेरिका से बिजनेस करेगा, इतना डल और ड्रैब लाइफ लीड करता है। अमेरिका में पता है सेक्रेटरी को गोद में बिठाकर डिक्टेशन देते हैं और शॉर्ट हैंड नहीं अंडर हैंड भी करते हैं, और तू सेक्रेटरी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। अरे थोड़ा सा फ्लर्टिंग वेटिंग करो। देख ये फ्लर्टिंग वेटिंग की बात छोड़ दे। क्यों, फ्लर्टिंग में क्या बुराई है? अरे फ्लर्टिंग यानी कि छेड़छाड़, छिछोड़ापन तो नहीं कह रहा हूं। और कृष्ण भगवान भी तो गोपियों के साथ छेड़छाड़ करते थे, और ये पूरा फ्लर्टिंग का आइडिया हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट होकर अमेरिका गया, उन्होंने अपना लिया और हम भूल गए। अरे फ्लर्टिंग तो जिंदगी का मसाला है, जैसे कि खाने में नमक, खेत में फर्टिलाइजर, थोड़ा सा डाल के तो देख जिंदगी हरी भरी हो जाएगी। अच्छा अब मैं चलता हूँ, सिर्फ हेलो कहने के लिए आया था। आई हैव टू कैच अप विद माय स्लीप। निमा से नहीं मिलेगा? अरे उससे तो मिल के आ रहा हूँ, दो एक दिन के बाद आता हूँ। अच्छा बाय। जाओ। अब मैं जा रहा हूँ, इट वॉज वेरी नाइस टू हैव मेट यू। थैंक यू। हाँ, वो अजय आपको अंदर बुला रहा है। okay. जी मैं आपको अनीता जी की बजाय नीतू जी कह रहा हूँ, तो आपको बुरा तो नहीं लग रहा है ना? बुरा लगना तो नहीं चाहिए, क्योंकि उम्र में आप मेरी छोटी बहन जैसी हैं। जी हाँ, बहुत बुरा लग रहा है। अगर मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ तो फिर जी और आप क्या होता है? वंडरफुल, मैं सीधा जी और आप से तू पे उतराता हूँ। नीत तू, यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, किसी दिन आके हमारा ये मर्द औरत का डिस्कशन को कंप्लीट कर लेंगे। अरे हाँ, वो मैं भूल रहा हूँ, क्या भूल रहा हूँ, अजय तुमको अंदर बुला रहा है। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ, नहीं तो सर वो मिस्टर कपूर कह के गए कि आपने बुलाया। ओ हाँ हाँ, ये लेटर जरा पढ़िए तो। सर ये थर्ड पैराग्राफ में जो पॉइंट है उसका हमें सख्त जवाब देना चाहिए। ब्यूटीफुल जी, आप बहुत खूबसूरत हैं। ये आप क्या कह रहे हैं सर? जी मेरा मतलब आपका मन बहुत खूबसूरत है, अब इसीलिए तो मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। जाइए जल्दी से खत का जवाब लिख लेंगे। यस सर। मर गए। तू हंस रहा है, मेरी तो हालत खराब हो गई थी। एक बात बता, लड़की ने तुझे, तेरी तो मैं समझाता हूँ। देख ये अखरोट है ना, बाहर से सख्त अंदर से नरम, औरत भी बिल्कुल वैसी होती है अंदर से नरम। हर औरत के दिल में एक बहन छुपी हुई रहती है, किसी का दुख दर्द देखकर मर्द तो मुंह मोड़ के चला जाता है, लेकिन औरत हमदर्दी जताए बिना नहीं रह सकती, इसलिए तुझे उसे छूना पड़ेगा।
ये क्या कह रहा है? नहीं नहीं तू समझा नहीं, उसके बदन को नहीं उसके दिल को मन को छूना पड़ेगा। हाँ तो ठीक, पर कैसे? तुझे एक मिसाल देता हूँ। तूने पति पत्नी और वो पिक्चर देखी थी? नहीं। मैंने देखी थी, बिल्कुल सेम सिचुएशन है उसमें, बॉस और सेक्रेटरी। बॉस बिल्कुल तुम्हारे जैसा शादीशुदा और सेक्रेटरी बिल्कुल नीतू जैसी, मेरा मतलब अनीता जैसी, सीधी सादी भोली भाली। अब बॉस को सेक्रेटरी को फंसाना था तो उसने क्या किया, सिंपति क्रिएट कर दी, उसके दिल को छुआ। उसने उससे कहा, शादी के एक साल बाद मेरी बीवी अपाहिज हो गई, व्हील चेयर में है, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूं। बस सेक्रेटरी फंस गई, दूसरे दिन से उसके कपड़े धोने लग गई। बाद में क्या हुआ? अरे बाद की बात बाद में बताऊंगा, पहले तू तो चालू हो जा। तू चालू हो जा? मैं कैसे चालू हो जाऊं? मान लो अनिता ने वो फिल्म देख ली हो तो पहले पता लगाओ कि उसने फिल्म देखी है या नहीं, नहीं तो कोई और कदम लगाएंगे। अच्छा मान लो उसने फिल्म तो ना देखी हो पर बाद में पता चल गया तो? ओहो तुझे तो छोटे बच्चे की तरह चम्मच से खिलाना पड़ेगा। मर्द को तो हर हार को जीत में बदल लेना चाहिए। समझो के पकड़े गए तो पहले जोर से हंसो, फिर कहो मैं हार गया। 5,000 रुपए हार गया। 5,000 रुपए? जी हाँ। आज आपको असली बात बताई देता हूं। एक दिन मैं मेरे एक दोस्त के साथ एक हिंदी फिल्म देखने चला गया, उसमें देखा कि बॉस अपनी सेक्रेटरी को कहता है कि शादी के एक साल बाद मेरी बीवी अपाहिज हो गई है, मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, और सेक्रेटरी ये बात मानकर उससे प्यार करने लग जाती है। मैंने मेरे दोस्त को कहा कि ये सब हिंदी फिल्मों में होता है, असली जिंदगी में नहीं होता। तो उसने कहा नहीं असली जिंदगी में भी औरतें इतनी बुद्धू होती है। मैंने कहा छट क्या बात करता है। उसने कहा मैं सच कहता हूं। मैंने कहा नहीं हो ही नहीं सकता। उसने कहा लेता है बैठ। मैंने कहा लेता हूं बैठ। उसने कहा 5,000 रुपए की लग गई। मैंने कहा लग गई 5,000 रुपए की, और मैंने 5,000 रुपए की बैठ कबूल कर ली सिर्फ आपकी अकल पे भरोसा करके। लेकिन आप तो टिपिकल हिंदी फिल्म की हीरोइन निकली और मेरी बात मान ली, बताइए, और आपकी अकल पे भरोसा करके मैं 5,000 रुपए हार गया, और आप मेरे को उल्टी आंखें दिखा रही है। यार तू सचमुच जीनियस है यार, इसमें कोई शक है क्या? बस कल ही मौका देखकर केबिन में बुला ले। यस सर। मिसुद बैठिए ना। मिसुद एक रिक्वेस्ट करूं? कहिए। नहीं जाने दीजिए। कहिए ना सर। नहीं शायद ये रिक्वेस्ट करना ठीक नहीं होगा। बात क्या है सर? नहीं उठने को जी नहीं चाह रहा था, आप थोड़ी चाय बना देंगे? विथ प्लेजर सर, इसमें रिक्वेस्ट करने की क्या बात। बहुत दिनों से कोई फिल्म नहीं देखी, आप सजेस्ट कर सकती हैं कोई फिल्म? सर ब्लैक स्टैलियन देखी, बहुत अच्छी फिल्म है। नहीं नहीं अंग्रेजी फिल्म नहीं, मेरा मतलब है हिंदी फिल्म। सुना है एक हिंदी फिल्म चल रही है, क्या नाम है, पति पत्नी एंड समथिंग समथिंग। माफ कीजिए सर, मैंने 7 साल में एक ही हिंदी फिल्म देखी है और वो है मुगले आजम। वेरी गुड वेरी गुड। कभी मत देखिए हिंदी फिल्म, हिंदी फिल्मों में रखा गया है सेक्स वायलेंस वल्गैरिटी डिप्रेविटी, अपना सेंसर बोर्ड तो सोते ही रहता है ना। आप कभी नहीं देखती ना हिंदी फिल्में, इसीलिए तो आप इतनी सुंदर हैं। मेरा मतलब आपका दिल इतना ताजा है, दिमाग इतना सुंदर है। आप मुझे प्रॉमिस कीजिए आप कभी हिंदी फिल्में नहीं देखेंगी। तो शौक ही नहीं सर, मेरी दिलचस्पी तो सिर्फ म्यूजिक और ड्रामों से है बस। चाय बनाने से थोड़ी ही अच्छी बनती है, वो तो अच्छी बनती है जब कोई अपना समझ के चाय बनाता है। हाँ फिर उसमें शक्कर ना भी हो तो भी मीठी लगती है। आपको पता है आज करीब 6 साल बाद किसी ने इस अपनेपन से इस हमदर्दी से मुझे चाय पिलाई है। माफ कीजिए सर मुझे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन ऐसा क्यों सर, घर में
छोड़िए अनिता जी, निजी दुख दर्द की बात ऑफिस में नहीं करनी चाहिए। देखिए सर, हम लोग यहाँ काम करते हैं, आप हेड ऑफ द फैमिली हैं, हम सब लोग फैमिली मेंबर्स जैसे हैं। अगर फिर भी आपको इतराज है तो बेशक रहने दीजिए। नहीं नहीं, इतराज किस बात का, और फिर आपसे क्या छिपाएंगे। मेरी शादी को एक साल हुआ और 7 साल के बाद ही। सर यू मीन शादी को 7 साल हुए और उसके 1 साल बाद ही? हाँ एग्जैक्टली, मेरी शादी को 7 साल हुए और 1 साल बाद ही। एक साल बाद क्या सर? नहीं जाने दीजिए। सर ये बार बार जाने दीजिए क्यों कह रहे हैं, बताइए ना। शादी के 1 साल बाद ही मेरी बीवी मिसेज शर्मा निर्मला, उसे पैरालिसिस हो गया। I'm sorry sir, अगर मुझे जरा भी पता होता कि ऐसी कोई बात है तो मैं इस बात का बिल्कुल जिक्र नहीं करती। नहीं नहीं, आप क्यों दुखी हो रही हैं? आखिर भगवान सबको सब कुछ थोड़े ही देता है। वो तो बेचारी बिस्तर से उठ नहीं सकती, वो चाय क्या बनाएगी। सर आज समझ में आया आप हर वक्त काम में क्यों लगे रहते हैं। एग्जैक्टली, वो जो सुनापन है ना, उसे भुलाने के लिए कोई शराब पीता है, कोई शायरी करता है, मैं काम करता हूं। सर एक बात है, आज के बाद आपके लिए चाय रोज मैं ही बनाया करूंगी। अच्छा तो हिम्मत करके बोली डाला। जी हाँ जनाब, पहली बार ना सही, दूसरी बार तो बिल्ली को मार ही डाला। वो एक्टिंग की तुम्हारी उस फिल्म का हीरो भी नहीं कर पाया होगा। अच्छा तो ये बता, लड़की ने क्या कहा? लड़की ने कहा कि पहले एक कप चाय तो पिला। हाँ रामू, एक आधा कप चाय ले आना जल्दी। अच्छा साहब, तो बता लड़की ने क्या कहा? लड़की ने यही कहा कि और साथ में बिस्किट भी मंगवा लेना। क्यों भाव खा रहा है इतना, रामू साथ में बिस्किट भी ले आना। अच्छा साहब, तो क्या कहा लड़की ने? नीतू ने कहा कि किसने अनीता ने। अनीता ने कहा कि यार रवि, ये चाय बड़ी मजेदार चीज होती है ना, खासकर बिस्किट के साथ। रामू चाय कैंसल, बिस्किट कैंसल। अरे नहीं भाई, गुस्सा क्यों हो रहे हो, अभी बताता हूँ। रामू दोनों ले आना। बताता हूँ। बताओ। मेरी कहानी सुनकर उसकी आंखें भर आई, बोली सर आज से रोज आपकी चाय मैं ही बनाऊंगी। शाबाश, वेरी गुड। अब नेक्स्ट स्टेप, अब तू जो है एटमॉस्फेयर को बदल ले, उसको ऑफिस से बाहर ले जा, उसकी मनपसंद जगहों पे ले जा, उसका मनपसंद खाना खिला दे, उसकी मनपसंद प्रेजेंट दे दे। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि हीरो पे नजर रखनी चाहिए। हीरो? कौन सा हीरो? मेरे नाटक का हीरो। ओहो देखिए, मैं एक मल्टी स्टारर कॉमेडी नाटक करवा रहा हूँ। अब मेरे नाटक के हीरो हीरोइन दोनों बूढ़े हैं, मुझे उनका कायाकल्प करवाना है, उनकी शादी में फिर से जवानी लाना है, उनके बीते हुए दिन वापस लाना है। लेकिन मेरे नाटक का प्लॉट थोड़ा सा अमेरिकनाइज्ड है, तो यहाँ का हीरो वहां चला जाता है, वहां की हीरोइन यहाँ चली आती, अब वहां का हीरो वहां भी है और यहाँ भी है, तो इसका झगड़ा उससे हो जाता है, उसका झगड़ा उससे भी होता है, इससे भी होता है। अब ये झगड़ा जो कर रहा है वो इससे नहीं कर रहा है, वो झगड़ा इससे कर रहा है, इसलिए दोनों का झगड़ा यहाँ पे चला है, तो झगड़े पे झगड़ा। भैया आपका ये नाटक कॉमेडी से ज्यादा जासूसी लगता है। वही तो, जब फर्स्ट और सेकंड एक्ट होगा तो लोगों को ये लगेगा कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब थर्ड एक्ट का पर्दा खुलेगा तो लोग ये समझ जाएंगे कि जो भी हो रहा है सबके भले के लिए हो रहा है। तुम्हारे पास कैमरा है? जी हाँ। अच्छा कैमरा है? हाँ। जरा ले आओ। क्यों? मुझे हीरो हीरोइन की इकट्ठी तस्वीर खींचनी है, मुझे उस फोटोग्राफ को ड्रामा के थर्ड एक्ट में यूज करना है। यूज करना है? उपयोग करना है। उपयोग? इस्तेमाल करना है। नहीं समझी ना? तुम समझने की कोशिश मत करो, तुम कैमरा ले आओ और एक प्याली चाय भी। चाय तो तुम कमाल की बनाती हो नीतू। आई एम सॉरी, माफ कीजिए, मैं तो अचानक तुम और नीतू पे आ गया। आप
बुरा तो नहीं मान गई? ठीक ही तो किया सर, आइंदा ऐसे नहीं बोलेंगे तो बुरा मानूंगी। अच्छा तो ये बताओ तुम्हारा जन्मदिन कब है नीतू? वो तो करीब 3 महीने पहले निकल गया सर। हैं? क्या कह रही हो, तुम्हारा जन्मदिन आया चला गया और मुझे बताया तक नहीं? उसमें बताने वाली क्या बात है, जन्मदिन का मतलब होता है हम लोग बुढ़ापे की तरफ 1 साल और आगे बढ़ गए ना। ओ, चुटकुले बड़े अच्छे मार लेती हो तुम। खैर कोई बात नहीं, कहते हैं ना देर है तंदुरुस्त। जी? अब वो अंग्रेजी में कहते हैं ना बेटर लेट देन नेवर। सर यू मीन देर आए दुरुस्त आए। हाँ, हाँ वही वही तो कहा मैंने। चलो फिर। कहाँ? कहीं भी, चलो चलो उठो। okay. नीतू पसंद करो। किसके लिए सर? किसी के लिए भी तुम पसंद तो करो। सर उम्र क्या होगी? उम्र यही कोई 22-24 साल। खूबसूरत है, पतली है, बड़ी बड़ी आंखें हैं। ये कैसी रहेगी? ये नहीं, ये पीली वाली कैसी रहेगी? हाँ अच्छी रहेगी। सुनिए जी, ये ड्रेस इनकी साइज की है ना? जी हाँ। हाँ पैक कर दीजिए। अच्छा ये क्या कर रहे हैं सर? देखो सर मत बोलो यहाँ पर, वैसे तुम तो मेरी फैमिली मेंबर जैसी हो ना, इतना भी तुम पर हक नहीं है मेरा नीतू। नीतू एक काम करो, तुम जाके बैठो, मैं लेके आता हूँ। ओके सर। सुनिए जी, ये यही ड्रेस एक दो और होंगी ना आपके पास? जी हाँ मिलेगी। मतलब हाइट में थोड़ी बड़ी है, कोई 3-4 इंच? जी हाँ जरूर। जरा पैक करके रख दीजिए। सुनिए जी, पैक करके अलग रख दीजिए, मैं बाद में आके ले जाऊंगा। अच्छा। नीमा, नीमा, नीमा! अरे तुम इतनी जल्दी आ गए, ऑफिस में हड़ताल हो गई है क्या? हड़ताल वड़ताल कुछ नहीं, चलो मुंह उधर करो। क्यों? अरे उधर करो मुंह, आजकल बहुत बहस करने लगे हो। चलो आंखें बंद करो, एक चीज दिखाता हूँ। आंखें बंद करके चीज देखो? ओहो बंद तो करो, जो कहता हूँ सुन लो। अच्छा बाबा आंखें बंद कर ली, अब सुनने के लिए कान भी बंद कर लो। अब खोलो आंखें। बुखार तो नहीं है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा मजाक हो रहा है? आओ। अरे भाई हमारे सीने में भी दिल है। बहुत दिनों के बाद धड़का आपका दिल? मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ क्या आजकल? क्यों, ऐसे कपड़ों में क्या खराबी है, चलो पहन लो ना। ऐ कहाँ चली? ये पहनने। यहीं पहन लो ना, यहाँ तुम्हारे सामने। तो क्या हुआ, आखिर पति हूँ तुम्हारा। हाँ लेकिन आज पति की मति जरा भ्रष्ट लगती है। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं खुद पहना दूँ। सुनो, नहीं कुछ नहीं। हाँ
Oh, I'm sorry. Please. बड़ी अच्छी जगह है। जी हाँ सर, जिन लोगों के साथ मैं रहती हूँ ना मिस्टर बैनर्जी, वो मिसेस बैनर्जी को हमेशा यहीं लेके आते हैं। अच्छा, तो फिर क्या मंगाएं? कुछ भी सर। लेकिन तुम्हें तो पता होगा ना कौन सी चीज अच्छी मिलती है यहाँ। पर वेजिटेबल अलग ही बहुत अच्छा मिलता है। I see. Excuse me. Yes sir. दो वेजिटेबल अलग ही। सर, मैं तो पूछना ही भूल गई, मिसेस शर्मा की तबीयत कैसी है? बहुत अच्छी है, मेरा मतलब है ठीक है, ठीक है। नीमा, 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 अरे चलो चलो जल्दी चलो चलो। कहाँ? कहीं भी तुम चलो ना। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। अरे परी लग रही हो इन कपड़ों में, चलो ना तुम। ओहो, वो झाड़ू तो छोड़ो। मुझे यहाँ क्यों लाया हो? आज नाश्ता यहीं करेंगे। क्यों? घर का नाश्ता अच्छा नहीं लगता? देखो, हर रोज हर पल नए नए ढंग से जीना चाहिए। ये जो नयापन है ना, यही तो जिंदगी को रंग बिरंगी बना देता है। निमा, निमा, खाने में नमक ना हो तो खाना क्या, और जिंदगी में चमक ना हो तो जीना। तुम्हें क्या हो गया है? सुनिए। यस सर। जीत बैठो। नहीं तो क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं तो 6-7 दिन से मिले क्यों नहीं? कॉलेज में बात काम है। सच बोल रहे? सच बोलूं? हाँ। अनीता, मुझे आजकल ऐसा लगता है मेरे स्कूटर की पिछली सीट तुम्हें बहुत छोटी मालूम होने लगी है। देखो जी, 4 साल से तुम मुझे जानते हो, घुमा फिरा कर बात करना न मुझे आता है और न सुनना पसंद करती हूँ। सीधी बात करूं तब भी तुम्हें पसंद नहीं आएगा। करके तो देखो। ये बताओ अनीता, एक आदमी सारा दिन कॉलेज में बकबक करके बंबई जैसे शहर में शाम के वक्त 60 की रफ्तार से स्कूटर चला के किसी को मिलने आए, हर मान अगर देखे के कि जिसके लिए आया है वो किसी और के साथ कार में बैठ के चली जाए, तो कैसा लगता है? यही ना। सीधा सीधा मुझे हुक्म क्यों नहीं करते कि अनीता छोड़ दो ये नौकरी? हुक्म करूंगा तो छोड़ दोगी? हाँ, मगर साथ साथ एक सवाल भी करूंगी, शादी कब करोगे? कुछ किए बिना तो बंबई में नहीं रह सकती ना। माँ बाप को कुछ तो कहना होगा कि यहाँ क्या कर रही है। तुम्हें मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं? I'm sorry अनीता, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन क्या करूं, जब भी तुम्हें अपने बॉस के साथ देखता हूं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। क्या करूं जीत, यकीन करो बड़े अच्छे आदमी हैं। जब भी उनके साथ होती हूं लगता है मेरा ऐसा एक बड़ा भाई क्यों ना हुआ। बहुत दुखी हैं बेचारे, शादी को 7 साल हो गए और 1 साल बाद ही उनकी बीवी बीमार पड़ गई, अभी तक बिस्तर से उठ नहीं सकती। बेचारे बहुत अकेले हैं। साला क्या? साला क्या हो गया तुम्हें?
तुम्हें नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे उस बड़े भैया को कह रहा हूं। बड़े भैया को क्यों? अनिता, मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें भी वो बॉस का बच्चा अपनी सेक्रेटरी को इसी तरह झांसा देता था। ओह नो। ओह यस, तुम कल ही उनकी बीवी को फोन करके देखो। मैं मिसेस शर्मा से बात कर सकती हूँ? जी हाँ, मैं मिसेस शर्मा बोल रही हूँ। माफ कीजिएगा, आपको तकलीफ दी। अब आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत तो ठीक है, क्यों? नहीं, आप हाँफ रही हैं ना, इसलिए पूछा। वो तो मैं डांस की प्रैक्टिस कर रही थी इसलिए। मगर आप हैं कौन? जी मैं, मेरा नाम अनीता सूद है। मैं एक मिनट के लिए आपसे मिलना चाह रही थी, बहुत जरूरी बात है। मैं अभी आ सकती हूँ? जी हाँ, आइए। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। आप ही मिसेस शर्मा? जी हाँ। मेरा ही नाम अनीता सूद है। अच्छा अच्छा, आइए आइए, बैठिए। क्या बात है, कहिए ना। मैं मिस्टर शर्मा की सेक्रेटरी हूँ। ओह, मैं आपके पति की शिकायत करने आई हूं आपके पास। कैसी शिकायत? शुक्र है कोई ऐसा भी है इस दुनिया में जिसे मेरे पति से शिकायत है। मैं भी एक साल से काम कर रही हूं उनके साथ, इससे पहले मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, लेकिन पिछले 15-20 दिनों से आपके पति ने मेरे साथ जो बर्ताव किया है वो मैं आपको पता नहीं कैसे बताऊं। ऐसा क्या किया है उन्होंने? उन्होंने मुझसे कहा कि आप पैरालिटिक हैं, आप चल फिर नहीं सकती, उन्हें देखने वाला कोई नहीं, उन्हें संभालने वाला कोई नहीं। तो फिर आपने क्या किया? वही जो एक छोटी बहन को बड़े भाई के साथ करना चाहिए, थोड़ी सी देखभाल, थोड़ी सी हमदर्दी। फिर शिकायत किस बात की? उन्होंने आपके साथ कोई बुरा बर्ताव किया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे शिकायत है उनके झूठ बोलने से। झूठ बोल के मुझे यहां वहां घुमाने ले गए, रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गए, और देखिए ये ड्रेस खरीद के दी। आप एक मिनट यहां ठहरिए, मैं भी आती हूं। अरे ये देखो, ये तो आपको बर्माशल पार्क में घूमने ले गए थे। जी। जू होटल ले गए थे। जी हाँ। वहां वेजिटेबल आला कीप खिलाया था। जी, तो क्या आप ये सब कुछ जानती हैं? नहीं, मगर मैं अपने पति को जानती हूँ। वो आपके साथ नहीं, मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे। मैं समझी नहीं। समझाती हूँ। मिस्टर कॉल। यस सर। अनीता जी आई नहीं? जी नहीं, उन्होंने खबर भेजी है करीब एक घंटे लेट आएंगी। समझ गई ना आप?
आपकी वजह से मुझे अपने खोए हुए 7 साल वापस मिले हैं। आपकी वजह से मेरी जिंदगी में वापस खुशी आई है। आप ऑफिस जाइए, अपना काम कीजिए और जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ अपनी ओर से बढ़ावा दीजिए उन्हें। नहीं नहीं मिसेस शर्मा, देखिए मैं अपने पति को जानती हूँ, वो शरीफ आदमी है, आपके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करेंगे, और अगर करें तो बेशक एक थप्पड़ मार दीजिएगा, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। क्यों कुछ पता चला तुम्हारे बॉस की बीवी कैसी है? सब पता चल गया मुझे। हाँ। सब पता चल गया। तुम सब मर्द लोग एक ही जैसे होते हो। हुँ? तुम भी शादी के बाद मुझसे यही करने वाले हो? अरे पहले शादी तो जान दो भाई। शादी? वो भी एक मर्द से। तो क्या किसी औरत से शादी करोगी? शादी तो तुम्हें मर्द से ही करनी पड़ेगी ना। मर्द? मर्द का तो नामो निशान मिट गया मेरी जिंदगी से। अब पता चला मर्द का दर्द से काफिया क्यों मिलता है। इतने जबरदस्त धोखेबाज होते हो ना तुम लोग। अनीता? क्या अनीता? अनीता मर गई। अनीता भूल जाओ उसे। लेकिन मेरी बात तो सुनो भाई। अनीता सुनिए भाई साहब, वो अनीता ही थी ना? जी जी हाँ। लेकिन वो यहाँ क्या कर रही थी? वो अपने बॉस। क्यों अपने बॉस? लगता है नाटक में कोई नया मोड़ आ गया। माफ कीजिएगा, आप कौन साहब हैं? जी मैं अनीता का भाई हूँ और अनीता के बॉस अजय का मैं दोस्त हूँ, और ये जो नाटक चल रहा है ना उसका नाटककार हूँ। लेकिन आप अनीता के क्या होते हैं? वैसे तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन जिस तरह से वो आपको डांट रही थी, लगता है बहुत जल्दी कुछ हो जाएंगे आप। मैं भी अंदर जा रहा था, लेकिन लगता है अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। चलिए ना कहीं बैठ के चाय पीते हैं। लीजिए सर। थैंक यू सो मच। नीतू एक बात बताओ, एक जमीन है सालों से सूखी सुनसान, अचानक एक दिन कोई आया और उस वीरान जमीन में उसने फूल खिला दिए, तो उसे क्या कहेंगे? माली सर। हाँ माली, तुम मेरी जिंदगी की माली हो। तुमने मेरी जिंदगी में माली बन के पानी डाला, खाद डाली और ढेर सारे फूल खिल गए मेरी जिंदगी में, बहार आ गई मेरी जिंदगी में। नीतू आप भी नहीं जानते सर, आपने भी क्या कुछ बदल दिया है मेरी जिंदगी में। अच्छा? रात तो क्या, दिन में भी मीठे मीठे सपने दिखाई देते हैं आजकल। हाँ अफसोस तो सिर्फ इस बात का है सर, दफ्तर 5 ही बजे बंद हो जाता है। दिल नहीं भरता। चलिए ना कहीं बाहर चलते हैं लॉन्ग ड्राइव के लिए। लॉन्ग ड्राइव? हाँ दूर, बहुत दूर, 2-3 दिन के लिए, सिर्फ आप और मैं। चांदनी रात होगी, ऐसा लगेगा जैसे हमारी कार चांदनी की नदी में बह रही है। नीतू 2-3 दिन के लिए तो बाहर जा नहीं सकते हम। क्यों? घर में क्या कहूंगा, ऑफिस में क्या कहूंगा? ऑफिस में कह दीजिए, घर के काम से जा रहे हैं और घर पे कहिए ऑफिस के काम से जा रहे हैं। चलिए ना प्लीज। नहीं नहीं तुम तो जानती हो नीमा, मेरी बीवी मिसेस शर्मा उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, बीमार है, उन्हें अकेला छोड़कर हम। समझ गए सर, अब आपको मेरा साथ अच्छा नहीं लगता, वरना आप 7 साल से बीमार पड़ी बीवी के लिए आज अचानक। सर बहुत जी चाह रहा है, चलिए ना प्लीज। अनीता वो यामागुची कंपनी के पेपर्स तैयार करने हैं, तुम जल्दी फाइल ले आओ। सर फाइल तो यहाँ रखा है। थैंक यू सो मच। केस बहुत उलझ रहा है, मुझे सारी रात काम करना पड़ेगा, तुम जाओ। ओके सर। सर आपकी चाय ठंडी हो रही है, एक और बना दो। हाँ नहीं ठंडी चाय मुझे अच्छी लगती है, तुम जाओ। ओके। सत्यानाश मर गए। वाह 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 वाह, बहन हो तो भाभी जैसी हो, कैसे भाव लिया कि भाई को भूख लगी है। लेकिन ये क्या सब घसीटेराम की दुकान से मंगवाया? दुकान से क्यों मंगवाऊंगी, मैंने खुद ने बनाया अपने हाथों से। ओहो खाना तो लोग अपने हाथों से ही बनाते, पैरों से थोड़ा बनाते हैं, लेकिन किसके लिए बनाया? सच पूछो तो उनके लिए बनाया है, उन्हें ये सब बहुत पसंद है ना।
उन्हें ये सब बहुत पसंद है, यानी बात फिर से उन्हें तक आ गई। भैया बहुत वो है। अरे देखो आजकल तुम शर्मा भी रही है तो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। भैया ये आज आपको क्या हो गया है? मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हें क्या हो गया, कहीं शादी के बाद के 7 साल वापस तो नहीं आ गए? ठहरिए, इसे वापस रखिए, वापस रखिए। रख दिया। अब समझी, ये सब तरकीबें उन्हें आप सिखा रहे थे। कौन सी तरकीबें? यही सेक्रेटरी के साथ फ्लर्ट करना। ओहो वो, अरे नहीं तो उस बुद्धू राम के दिमाग में ये सब बातें आने वाली कैसी थी। वाह वाह वाह, कितने अच्छे भैया हैं आप, बहनों को सिखा रहे हैं कि दूसरी औरतों के साथ कैसे प्रेम करना चाहिए, है ना? अरे दूसरी औरतों के साथ प्रेम करने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। अजय तुम्हारा पति है लेकिन माफ करना, वो एक नंबर का गधा, डरपोक। देखो भैया, देखो झगड़ा करने से पहले मुझे एक बात बताओ, हाँ सच्ची सच्ची बताना, तुम्हारी जिंदगी के वो सुनहरे 7 साल वापिस आ गए कि नहीं? तुम्हें पहले जैसी खुशी महसूस हो रही है या नहीं? हाँ लेकिन 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 कुछ नहीं, हर मर्ज की अलग अलग दवा होती है, अजय के मर्ज की यही दवा है। मुझे मालूम था कि अनीता को खुश करके उसे जो खुशी मिलेगी वो घर आके सारी खुशी तुम पे लुटाएगा। पर भैया सोचिए तो सही, कितना अपमान लगता होगा मुझे कि मुझे प्यार दिखाने के लिए उन्हें प्यार की रिहर्सल करनी पड़ती है दूसरी औरत के साथ। चलन हो रही ना तुम्हें? और नहीं तो क्या? यही जलन तो प्यार की जड़ है, इस जड़ को अच्छा खाद पानी दो फिर देखो प्यार का दरख्त कैसे फलता फूलता है। मतलब? मतलब ये कि यही जलन तुम अजय के दिल में पैदा कर लो, उसको तड़पाओ, फिर देखो मेरी तरकीब कैसे रंग लाती है। सुनो आज जब अजय दफ्तर से घर वापस आएगा ना, निमा, निमा, आती हूँ। आज घूमने चलेंगे, हैं? लॉन्ग ड्राइव। पहले चाय तो पी लो। ओके। चरण, साहब के लिए चाय लाना। राधा नहीं मानोगे ना? क्या बात करती हो, तुम्हारी सकता हूँ? कुछ दिन पहले अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट आई थी, चिट्ठियों का जवाब लिखने के लिए अंग्रेजी में एमए की जरूरत है। देखो तुम सुबह के निकले शाम को घर आते हो, मेरा ये पहाड़ सा दिन कैसे कटता है? तुम अगर हाँ नहीं कहोगे तो मैं उन्हें मना कर दूंगी, लेकिन प्लीज हाँ कह दो, मैं हमेशा 3 बजे घर आ जाया करूंगी, प्लीज। ठीक है पर एक शर्त है। क्या? तुम कभी ये नहीं कहोगे कि देखो मैं नौकरी करने लगी हूँ, तुम खाना पकाओ। अंकल चाहे तो मुझे 2-4 गालियां दे, अगर इनके दिल को ठंडक होती हो तो वहीं दूर से बैठे बैठे मुझे 2-4 चाटे मार दे, बस कम ये तो बताएं कि मेरा कसूर क्या है, है? अगर अगर ये इस तरह बर्ताव करती रही तो मेरा तो ये आखिरी जन्मदिन है ना, क्लास फाइनल है बस। देखा आंटी, ये चापलूसी कर करके ड्रामे कर करके बेवकूफ बनाते हैं हम लड़कियों को, बीवी को बैंक बैलेंस समझ के घर में रखेंगे और सेक्रेटरी को जेब खर्च समझ के ये सब मर्द एक जैसे होते हैं, चाहे खादी पहने, चाहे जैकेट पहने, चाहे चाहे कुर्ते पहने, सब एक हैं। नहीं नहीं अंकल की बात अलग है, सचमुच अंकल अगर आपको ना देखा होता तो इन सब प्रोफेसरों ने जो डिक्शनरियां बना रखी हैं जिनमें लिखा है लॉयल्टी, वफादारी, ये सब के सब फाड़ के फेंक देती। जीत जरूर तुमने कुछ गड़बड़ की होगी। कसम से कहता हूँ अंकल मैंने कुछ नहीं किया, कहो तो आंटी हो छूकर कसम खाती। उसे मत छूना, मेरी इकलौती बीवी है, अगर तूने झूठी कसम खा के उसे छू लिया तो सच कहते हो कुछ नहीं किया। अंकल अपनी नौकरी की कसम खाता हूँ। नौकरी की कसम खा रहा है बेटी, नौकरी आजकल के जमाने में बहुत बड़ी चीज होती है, फिर भी तुम इसे माफी मांगो। लेकिन मैंने किया क्या है अंकल? अरे कुछ तो किया होगा, हमारी बेटी को तुम्हारी आंटी की तरह थोड़ी है जो खमखाई नाराज हो जाए। तुम्हार मुंडू, अब बोलो, अब ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, अब बोलो लड़कियां नहीं छेड़ूंगा। लड़कियों? अंकल मैं, अरे बोलो बोलो, लड़कियां नहीं छेड़ूंगा। देखा देखा अंकल, निकल पड़ी ना सच्चाई, आंटी आप गवाह हैं, खुद बोला आपने मुंह से। अरे ये तो अंकल के कहने पर बोला है। अच्छा किया, लो चलो अब सुलह कर लो,
जीत को जन्मदिन की बधाई दो। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे देखा देखा, ऐसे नहीं, रसगुल्ला खिला। अरे उल्लू, अपने हाथ से नहीं, अरे तुम खिलाओ भाई। ये पकड़ो, देखती हूँ। अरे रवि भैया, आप? नीतू, तू यहाँ? मैं तो यही रहती हूँ, और आप? वो जीत सक्सेना आया यहाँ पे? हाँ है, आप जीत को कैसे जानते? ओ, बचपन से जानता हूँ मैं उसे। अरे रवि भैया, आप यहाँ? अरे भाई, थक गए तुम्हें ढूंढते ढूंढते, और तुम यहाँ पे गुलछरे रसगुल्ले उड़ा रहे हो, और मैं इनसे मिले, ये हैं मिस्टर और मिसेस बैनर्जी। नमस्ते जी, जीते रहो। मैं आप लोगों से बाद में बात करता हूँ, जरा पहले इससे निपट लो। अरे लो भाई, दिल्ली से तुम्हारा पार्सल आया है। दिल्ली से पार्सल मेरे लिए किसने भेजा है? ओहो, बड़े भोले बनते हो, और कौन भेज सकता है? रीटा ने भेजा है। रीटा? कौन रीटा? रीटा मिस दिल्ली, रीटा कुमार मंगलम। मैं तो किसी नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी लड़की के साथ। देखो नीतू, तुम तो लड़की हो, तुम तो समझ जाओगी। अगर कोई तुम्हारे साथ जमुना के पुल पे खड़े होकर जमुना जी को साक्षी रखकर जीने मरने की कसम खाए, और परदेश जाते ही भूल जाए, चिट्ठी भी ना लिखे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बेचारी रीटा। लेकिन रवि भाई, आप? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे प्यार में कुछ कमी है। तुमने तो उसे ताजमहल के जैसा चाहा है। तुम्हारा प्यार कुतुब मीनार से ऊंचा है, जुम्मा मस्जिद सा पाक है, इसलिए तो वो तुम्हारी दीवानी है, प्रेजेंट टू प्रेजेंट भेजे जा रही है। और एक तुम हो कि ना कोई चिट्ठी, ना कोई लेटर, ना कोई। अनीता, अनीता सुनो तो, ये आपने क्या किया? आपने जो कुछ यहाँ बोला सच बोला? मैं सच का बोलता हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं एक रसगुल्ला खा लूँ मां जी? खाओ 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 बेटा। थैंक यू थैंक यू। निकल जाओ यहाँ से। क्या हुआ? अरे क्या, इतनी जोर से धक्का मारा भैया उसने? अरे धक्के खा के ही तो आदमी कलाकार बनता है। लो तुम एक रसगुल्ला खा लो। नीमा, नीमा। चरण जी साहब। मेम साहब कहाँ हैं? दफ्तर से आए नहीं साहब। अच्छा जा तू। बहुत देर कर दी, 8 बज गए। सॉरी, लेकिन आज पहली बार पता चला कि किसी को खुशी देने से कितनी खुशी मिलती है। उसका दुख मुझसे देखा नहीं गया। मैंने कहा चलो, अगर मेरे पल दो पल साथ रहने से किसी का दुख कम होता है तो क्या बुराई है। कोई सहेली होगी तुम्हारी, हैं? मेरे बॉस, तुम चाय पियोगे? चाय जाए भाड़ में, क्या हुआ तुम्हारे बॉस को? जाने दो, सुनकर तुम्हें भी दुख होगा। अरे चरण साहब के लिए चाय लाना। अरे नहीं चाहिए मुझे चाय, पहले ये बताओ क्या हुआ तुम्हारे बॉस को? हे भगवान, दुश्मन को भी ऐसी जिंदगी मत देना। अरे सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। सब कोई है लेकिन कोई नहीं है। अरे लेकिन हुआ क्या है ये तो बताओ। पैरालिस। तुम्हारे बॉस को? नहीं, बॉस की बीवी को। शादी को 7 साल हुए और शादी के 1 साल बाद ही बॉस की बीवी को लकवा हो गया। झूठ, झूठ है वो, झूठ है, धोखेबाज है, मक्कार है, he's a bloody scoundrel, कुछ नहीं हुआ है उसकी बीवी को। तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मैं और जोर से चिल्ला क्योंकि वो तुम्हें फंसा रहा है, धोखा दे रहा है। किसी शरीफ आदमी के बारे में ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? अरे गोली मार दूंगा उस शरीफ के बच्चे को। देखो कल से तुम्हारी ये नौकरी वोकरी सब बंद। ठीक है, तुम कहते हो तो बंद कर दूंगी, लेकिन बंद कैसे करूंगी? कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा हुआ है कि मुझे 1 महीने का नोटिस देना होगा। ठीक है, कल ही जाके दे दो नोटिस। सुनो, कल से तुम ठीक 3 बजे घर वापस आ जाओगी, समझी? लकवा मार गया है, हैं? जितनी जल्दी आ गए, क्या बात है? ऐसे ही। अच्छा, ऑफिस से किसी मीटिंग के लिए निकले होगे?
हाँ मीटिंग थी मीटिंग। और फिर मीटिंग कैंसिल हो गई होगी? यस। इसलिए तुम घर वापस आ गए? झूठे कहीं के तुम ये देखने आए हो कि मैं 3 बजे वापस आती हूँ या नहीं। लेकिन फिक्र मत करो, मैंने आज ही अपने बॉस को नोटिस दे दिया है। अब तो खुश हो ना तुम? हाँ, पर तुम बहुत दुखी नजर आ रही हो। हाँ भाई, दुख तो होगा ही। जब मैंने इस्तीफा उनके सामने रखा तो बेचारे कहने लगे, ऐसा क्यों कर रही हो निम्मा? क्या उसने तुम्हें निम्मा कहा? नहीं नहीं, निम्मा नहीं, निम्मी, निम्मी कहने लगे। हमने ऐसा क्या किया है जो तुम हमको छोड़कर जा रही हो निम्मी? दो ही दिनों में बहुत हमदर्दी हो गई तुमसे। कैसी बातें कर रहे हो? तुमसे 10 साल उम्र में बड़े हैं, बूढ़े हैं बेचारे। भगवान बचाए जवान लड़कियों को आजकल के बूढ़ों से। भाई चाय पियो, क्या सोच रहे हो? ये आपने अच्छा नहीं किया रवि भैया, अनीता को जानते नहीं आप, अब जिंदगी भर मुझसे बात नहीं करेगी, सारी जिंदगी। प्रोफेसर साहब, आपने अर्थशास्त्र बहुत पढ़ा है लेकिन प्रेम शास्त्र में आप जीरो हैं जीरो। कितने रोमांस किए अब तक लाइफ में? जिंदगी के एक अदद इकलौते रोमांस का तो आपके सामने स्वर्गवास हो गया ना। स्वर्गवास? अरे क्या बकते हो तुम। अरे अनीता को जलाओ, खूब जलाओ, उसके बाद क्या होगा, नाराज हो जाएगी, रोएगी, बुरा भला कहेगी, सैड सॉन्ग गाएगी, आत्महत्या करने की धमकी देगी, और फिर सत्यमेव जयते। जब उसे ये पता लग जाएगा कि ये सारा झूठ था तो पछताएगी, तुम्हारी माफी मांगेगी, गिड़गिड़ाएगी, बाल्टियां भर भर के रोएगी, कहेगी अजय मुझे माफ कर दो, अजय मुझे माफ कर दो। अजय? ये अजय कहां से अटपका? अरे सॉरी 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 सॉरी, अजय नहीं, वो इधर का उधर हो गया। जीत जीत, अनीता कहेगी जीत मुझे माफ कर दो, जीत कोरेगांव पार्क में एक बहुत बड़ी जगह ऑफर हुई है मुझे अभी। अच्छा? हाँ, लेकिन फिलहाल मैं ये नाटक खत्म कर लूँ, समझे ना, अपने आप को नाटककार के हवाले कर दो और अगले सीन की तैयारी करो। तुम्हें नीमा से मिलना है। नीमा? नीमा कौन? नीमा शर्मा, मिसेज अजय शर्मा। लीजिए। आओ भाभी आओ। भाभी ये है प्रोफेसर जीत सक्सेना, और प्रोफेसर जी ये है मेरी निम्मा भाभी, यानी कि मिसेज अजय शर्मा। बैठिए ना। देखिए क्या मैं भी रवि भैया की तरह आपको भाभी कह सकता हूँ? क्यों नहीं, ये लीजिए। शुक्रिया भैया आपकी चाय। ये नाटककार साहब ने आपको सब कुछ बता दिया? हाँ, वो बस एक आखिरी अंक छोड़ कर बाकी सब कुछ। नहीं लेकिन क्या ऐसा करना ठीक है? मैं तो कुछ डर सा रहा हूँ भाई। फिर वही बात। अरे भाई मैंने तो समझा था कि हिंदुस्तान में सिर्फ प्रोफेसर लोग ही हैं जो हिम्मत वाले हैं, वरना ये स्टूडेंट्स के चाकू छुरी दिखाने के बावजूद भी आप इम्तिहान इम्तिहान लिए जा रहे हैं, और ये तो सिर्फ एक्टिंग है भैया। हाँ भैया, ये एक्टिंग तो आपको करनी पड़ेगी। देखिए आप लोग एक बार फिर सोच लीजिए। इसमें सोचने की क्या बात है? तुम ही इसे समझाओ भाभी, मैं अजय को फोन करके आता हूँ। अनीता कैसी है? मुझसे तो बात ही नहीं कर रही वो। क्यों? मुझे क्या मालूम। मैं जानती हूँ क्यों। हेलो अजय, मैं रवि बोल रहा हूँ। हाँ वो है, वो गिरदारी सेठ से बात कर लिया है, वो 30-40 लाख की पार्टी है, जरा पटा लो मामला। है चिल्ला क्यों रहा हूं? अरे भाई बॉम्बे टेलीफोन है। हाँ वो कल ब्लू मून होटल में 1:30 बजे आएगा। ब्लू मून होटल, वो जो लिंगिंग रोड पे है। आप ये बार बार घड़ी क्यों देख रहे हैं?
नहीं वो, मैं सोच रहा था कि हाँ ये अजय भैया घड़ी कौन सी पहनते हैं? आई थिंक HMT क्यों? फिर तो वो लेट भी नहीं हो सकते। आप इतना घबरा क्यों रहे हैं भैया? नहीं वो क्या है भाभी के मैं हमेशा खादी वादी पहनता हूँ ना, कुर्ता पाजामा, तो ये सब पहन के ऐसा लग रहा है जैसे कोई भारतीय नेता फॉरेन टूर पे जा रहा है। ठीक ही तो है, देखो नेताओं को कितनी एक्टिंग करनी पड़ती है और आप जरा सी एक्टिंग भी नहीं कर सकते। और एक्टिंग क्या करनी है आपको? सिर्फ हंसना है और मेरा हाथ पकड़ना है। नहीं नहीं भाभी, हंस तो मैं लूंगा लेकिन हाथ वाथ मैं नहीं पकड़ूंगा। अच्छा बाबा आप हंसते रहना, मैं आपका हाथ पकड़ूंगी बस। आइए आइए सर। देखो भैया आ गए। आइए आइए बैठिए। सब कुछ याद है ना? ठीक से एक्टिंग करोगे तो 100 रुपये का। 100 रुपया? फिल्म में बस एक दिन काम करने का 100 रुपया मिलता है, कम से कम 200 तो होना चाहिए। 200 रुपया? मेकअप लगाते ही रेट डबल कर दिया। फिल्म में गलती हो गई तो रिटेक हो जाएगा, यहाँ तो जेल हो जाएगी। अरे जेल हो जाएगी तो फर्स्ट क्लास खाना खाने के बाद होगी ना। हेलो रवि। ओ हाँ। ये है मेरा अजीज दोस्त अजय शर्मा, बडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट। हम बड़ी खुशी है आपसे मिलकर। आप हैं सेठ मोटूमल जी। लेकिन तुमने तो कहा था कि गिरधारी लाल से मुलाकात कराओगे। हाँ, ऐसे तो इनके माँ बाप ने इनका नाम सेठ गिरधारी लाल ही रखा है, लेकिन क्लोज वो उनको पेट नेम से बुलाते हैं, उत्पल जी। सेठ जी अजय की, और सिर्फ अजय की, मैं 100% गारंटी करता हूँ। तो अच्छा है, 1 करोड़ का काउंटर बना लीजिए। 1 करोड़ कम है तो 2 करोड़। जब आप बीच में है तो क्या बात है? मैं तो आपके दोनों के बीच में ही हूँ जी। पेपर्स लाए हैं? जी हाँ। आप लोग डिस्कस कीजिए, मैं जरा भी आ। तो आप क्या खाएंगे? रेडी? अब हंसना पड़ेगा। हंसी आ नहीं रही है भाभी, हंसी आ ही नहीं रही है। अपना हाथ ऊपर करो भाभी। वो भैया को गुस्से में हाथ पैर चलाने की आदत तो नहीं है ना? उन्हें तो नहीं है, लेकिन अगर आप ठीक से नहीं हंसे ना तो मैं हाथ पैर चला दूंगी। हंसो। आप कितने अच्छे हैं। बहुत खुश दिखाई दे रही हो आज, इतना खुश कभी नहीं देखा तुम्हें जिंदगी में। जिंदगी में तुमने मेरी तरफ देखा ही कितनी बार है। क्या फर्क पड़ता है मेरे देखने में देखने से? जवान हो, खूबसूरत हो, देखने वाले बहुत मिल जाते होंगे। कैसी बातें करते हो? आज मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे होटल ले जाओगे। क्यों, घर का खाना अच्छा नहीं लगता? लगता था, लेकिन जब से तुमने होटल जाने की आदत डाल दी है। आज कहाँ चलेंगे? होटल ब्लू मून में। कौन था तुम्हारे साथ? मेरे बॉस। अच्छा, कितने बॉस हैं तुम्हारे? ऑफिस में काम करने वाला तो मुझसे 10 साल उम्र में बड़ा है, लंच में ले जाने वाला कोई और है? शराफत से बात करो, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मैं भी शादीशुदा मर्द हूँ, क्या मैं अपनी पत्नी से पूछ सकता हूँ क्यों वो दूसरे मर्दों के साथ? जवाब देने से कोई फायदा नहीं, तुमने मुझ पर भरोसा करना छोड़ दिया है, मेरे पीछे जासूसी करते फिरते हो। होगा कि तुम मुझे तलाक दे दो। नीमा,
निमा ये क्या कह रही है? मत छुओ मुझे। मैं एक बच्चलन औरत हूँ ना, आवारा हूँ ना, मैं हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ले आओ किसी सती सावित्री को। निमा, निमा मेरी बात सुनो, निमा प्लीज। आओ आओ। यहाँ क्यों बुलाया? यहाँ पे अभी जीत आ रहा है। मुझे नहीं मिलना उससे। ओहो, वो तुमसे मिलने थोड़े ही आ रहा है, वो तो मिलने आ रहा है रीटा कुमार मंगलम से। तो मिलने दीजिए मुझे क्या? जब तुम्हें कुछ नहीं तो क्यों इतने गुस्से से कह रही हो मुझे क्या? सुनो, मैंने जीत को रीटा से टेलीफोन पे ये कहते हुए सुना था कि आज ठीक 3 बजे रुइया पार्क में आ जाना सूखे स्विमिंग पूल के पास, और वही मयूर पंखी कपड़े पहन के आना जिसमें तुम परी लगती हो। परी? इसलिए तो मैंने तुम्हें ये मयूर पंखी कपड़े पहनने के लिए कहा था। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने रीटा को टेलीफोन करके ये कह दिया है कि जीत ने मुझे आपसे ये कहने को कहा है कि किसी जरूरी काम की वजह से आज अपॉइंटमेंट नहीं रख सकता। तो जीत को तो ये पता नहीं कि मैंने रीटा से अपॉइंटमेंट कैंसिल है, तो वो तो यहाँ पे आएगा, तुम्हें मयूर पंखी कपड़ों में देखेगा और रीटा कुमार मंगलम समझ बैठेगा और तुम उसे रंगे हाथों पकड़ लेना। नहीं भैया, मुझसे ये तमाशा नहीं होगा। तमाशा नहीं होगा तो तमाचा ही मार लो। नहीं नहीं, मुझे जाने दीजिए आप। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। औरत को अपना हक मांगने का वक्त आ गया है। सीता से नीता तक औरत पे जो अन्याय हो रहा है उसे रोकने का वक्त आ गया है। तुम उससे मिलो, उससे पूछो कि मेरे साथ ये बेवफाई क्यों। जाओ बैठो, वो अभी आता होगा, मैं कहीं छुप जाता हूँ। जा जाओ बैठो प्लीज। जाओ भैया। जूता कौन सा पहन के आई है? वो बड़ी हील वाला तो नहीं? अरे प्यार करने की हिम्मत रखते हो तो मार खाने की भी तो हिम्मत रखो। उसने जोर से मार दिया तो? ओहो, तो जोर से करेगी प्यार फिर तुमसे। जाओ 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 जाओ। कुछ हुआ तो आप हैं? मैं हूँ। जाओ जाओ, ऑल द बेस्ट। आ गई तुम? वाह, इन मयूर पंखी कपड़ों में कितनी अच्छी लगती हो तुम। मेरा तो जी करता है, मेरा जी करता है तुमसे आज ही शादी कर लो। बड़े सजग के आए आप। हाँ, बजराज यूं ही थोड़ा सा निराश हो गए होंगे ना मुझे देखकर। निराश? तुम्हें देख के निराश क्यों होगा? नहीं तब मैं तो तुम्हें ही मिलने आया था, तुम्हें देख के निराश कैसे हो सकता हूँ? मुझसे मिलना? हाँ बिल्कुल, तुम्ही से मिलना आया था। हाँ, क्या कर रही हो? थोकी मैं बकार छोड़ के जाइए। काउंटर, यू फ्लर्ट? मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या क्या? मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। भैया बचाओ। बदतमीज। और रवि भैया। अरे अरे हट जाइए आप। मैं छोड़ूंगी नहीं आज। भैया आप हट जाइए, आप हट जाइए। आज औरत के हक मांगने का दिन आ गया। 4 साल से मुझसे क्या का नाटक किया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और अब सुनो, तुम तो उसको 4 साल से जानती हो, मुझे सिर्फ 4 महीने से जानती हो। मैंने जो कहा वो सच मान लिया, उसके पूछा तक नहीं कि सच बात क्या है। क्या मतलब? मतलब ये कि रीटा कुमार मंगलम मेरे नाटक में पैदा हुई है सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या फायदा उस प्यार का जिसमें भरोसा ना हो? का पौधा तो भरोसे की मिट्टी में ही फलता फूलता है। अरे जाने दीजिए ना भैया, मैं तो वो शादी से पहले ही विधवा, क्या कहते हैं वो, रंडवा हो गया ना, हो गया मैं। देखो देखो देखो, ओवर एक्टिंग मत करो। हा? नीता चलो माफी मांगो। देखा बच्चू, मैंने कहा था ना, रोएगी, बुरा भला कहेगी, बुरा मान जाएगी। जा 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 जा, जा। शादी से पहले ये नाटक, शादी के बाद क्या करोगे? शादी के बाद इन्हें अपनी बीवी के साथ किया। देखो नीतू, अगर अजय ने प्यार किया है तो सिर्फ अपनी बीवी से, तुम तो सिर्फ एक बहाना थी। और फिर तुम्हें क्यों गुस्सा होना चाहिए? अगर किसी को गुस्सा होना है तो जीत को गुस्सा होना चाहिए। हाँ, मैं जाता हूं उसके दफ्तर में और देता हूं एक ठीस करके। देखो देखो, तुम नाटककार नहीं हो, नाटककार मैं हूं। तुम सब कठपुतलियां हो, मैं जैसे नचाऊंगा वैसे तुम नाचोगे, समझे? हाँ, लेकिन एक बात सही है कि जाना तुम्हें ही पड़ेगा अजय के दफ्तर में, लेकिन एक
एक डिटेक्टिव बन गए, जासूस, प्राइवेट डिटेक्टिव। उसका नाम होगा धुरंधर भाटावड़ेकर। May I come in? Come in. Good morning, Mr. Sharma. Morning. बैठ जाइए। Be relaxed. Please sit down. मेरा नाम है धुरंधर भाटावड़ेकर। जी, फरमाइए। मैं एक जासूस, प्राइवेट डिटेक्टिव। जासूस हैं तो यहाँ क्यों आए? आपने आईडी सूद का नाम तो यकीनन सुनाई होगा। जी नहीं। नहीं सर, इंद्रदमन सूद, द फेमस बॉक्सर, जिन्होंने एक दिन गुस्से में आकर एक घोड़े की खोपड़ी एक ही घूसे में चूर चूर कर दी थी। देखिए, ना ही मेरा घोड़ों का कारोबार है और ना ही मैं बॉक्सिंग से संबंध रखता हूं। लेकिन इंद्रदमन सूद, जिन्होंने एक ही घूसे में एक घोड़े की खोपड़ी चूर चूर कर दी थी, उनकी बेटी अनीता सूद से तो संबंध है। जी नहीं। तो, अनीता, अनीता तो मेरी प्राइवेट सेक्रेटरी। प्राइवेट सेक्रेटरी या प्राइवेट वो मतलब वो मतलब पति पत्नी और वो। क्या बक रहे हैं आप, ऐसी गंदी झूठी बातें। डोंट गेट एक्साइटेड मिस्टर शर्मा, डोंट गेट एक्साइटेड। क्या ये सारी तस्वीरें भी गंदी और झूठी हैं? नहीं नहीं, ये सच नहीं है। मेरा मतलब सच है, पूरा सच नहीं। जितना सच है उतना ही काफी है इंद्रदमन सूद के लिए, जिन्होंने एक ही घूसे में घोड़े की खोपड़ी चूर चूर कर दी थी। You are right. आप दोनों के लिए एक ही रास्ता है, शादी। शादी? ये आप क्या कह रहे हैं धर्मेंद्र जी? धर्मेंद्र नहीं, धुरंधर भाटावड़ेकर। हाँ हाँ, वही। आप वहाँ आराम से क्यों नहीं बैठ जाते? आप कुछ चाय वाय पियेंगे? चाय नहीं, अब तो आप दोनों की शादी की दावत ही खाएंगे हम। शादी? शादी कैसे कर सकता हूँ मैं? तलाक दे दीजिए अपनी बीवी को। आप नहीं, वरना ये सारी तस्वीरें अखबारों में छप जाएंगी। बड़ी बड़ी। नहीं सुनिए मिस्टर धर्म, धुरंधर भाटावड़ेकर। हाँ हाँ वही। आप अनीता से पूछ सकते हैं कि ये सब बातें कितनी झूठ है। अनीता को तो आप जानते होंगे। क्या मैं अनीता को जानता हूँ? अनीता के लिए मैं एक देवदूत हूँ और आपके लिए शायद यमदूत हूँ। गुड बाय मिस्टर शर्मा। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? भाई साहब बैठे होंगे, किसी डॉक्टर साहब का ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं। शाबाश शाबाश, अब तो फंस गया बच्चू चक्रव्यूह के चक्कर में। चलो अनीता के पास चलना, उसको कैसे समझाना। क्या मतलब? देखो नहीं, मैं क्यों बताऊं? पहले सीन का पहले बता दो, सारा मजा बिगड़ जाता। मैंने कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। कम से कम ये तो बताओ कि आपने ये नाम कहां से इंपोर्ट किया, ये धुरंधर भाटावड़ेकर। धुरंधर भाटावड़ेकर इंपोर्ट किया हुआ नाम नहीं है, ये तो 40 जड़ी बूटियों से बना हुआ पूर्ण स्वदेशी नाम है। मैंने किसी अखबार में पढ़ा था। अच्छा? पढ़ते ही मेरे दिमाग में टंग करके बैठ गया था, अरे ये नाम है या तोप का गोला, धुरंधर भाटावड़ेकर। धुरंधर भाटावड़ेकर स्पीकिंग। क्या कहा? बच्चों की स्कूल की दीवार पे फिल्म के पोस्टर्स? किसके हैं? कौन से फिल्म के हैं? फाड़ दो, फाड़ के फेंक दो सबके सब। क्या कहा? इस तरह चिपके हैं कि फाड़े नहीं जा सकते, तो दीवार गिरा दो, समझे? दीवार गिरा दो। देश भर के नौजवानों को तो बर्बाद कर ही दिया, बच्चों का दिमाग खराब करने, गंदा करने शुरू कर दिया फिल्म वालों। क्या बात है? हुजूर, ये सिनेमा की टिकट ब्लैक में बेच रहा था। सिनेमा की टिकट, वो भी ब्लैक में? पाप और जुर्म में एक साथ? शर्म नहीं आती तुझे ब्लैक करते हुए? पहले आती थी साहब, लेकिन जब से देखा कि वो ब्लैक मार्केट करने वाला करोड़ी लाल लीडर बन गया और इलेक्शन भी जीत गया, तब से नहीं आती साहब। चुप! अरे चाबुक की चमड़ी उधेड़ दूंगा। साहब आप तो बिल्कुल अमरीश पुरी और अमजद खान की तरह बोलते हैं। ये लोग कौन?
बहुत बड़े विलन है साहब। क्या? मैं विलन हूँ? तुम एक चोर 420? जी नहीं, मैं चोर 420 नहीं हूँ साहब। मैंने भी हाई स्कूल पास किया है। ये काम तो मैं सिर्फ पेट भरने के लिए करता हूँ। ये सब कह के मेरी हमदर्दी नहीं जीत सकोगे बच्चू। साहब मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, हमारे धंधे का आपको कुछ पता नहीं है साहब। धंधा बहुत डाउन चल रहा है। एक तो अमिताभ बीमार हो गया और ऊपर से ये सेंसर वाले सेक्स और वॉयलेंस दिखाने ही नहीं देते हैं। एक के बाद एक फटाफट फिल्में फ्लॉप हो रही हैं साहब। अब बड़े दिनों के बाद एक फिल्म आई है जिसमें कुछ कमाने का चांस है, उसमें सेक्स वॉयलेंस रेप। सर 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 सर, ये दिन दहाड़े खुले रास्ते पर इस लड़की का पीछा कर रहा था। शट अप। क्या? हेलो, खुले रास्ते पर? यस सर। दिन दहाड़े? हाँ जी, और ये लड़की जान बचाकर भाग रही थी। सुनिए मैम, कितना जानता हूँ तुम जैसे लफंगों को। सब आप मेरी बात तो सुनिए। चुप सर। ये चुप। I'm sorry। मुझे मालूम है बेटी, मुझे मालूम है किसी करोड़पति के बेटे होंगे, मगर किसी का बेटा हो कानून किसी की परवाह नहीं करता। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तब पता चलेगी बच्चू जब अपने 6-6 जन्मदिन जेल के अंदर मनाओगे। एक्सक्यूज मी मैडम, आप बिंदिया जी है ना? जी हाँ। और आप राज बब्बर है ना? जी सर। ये राज बब्बर है? क्या है? ये राज बब्बर है तो मैं शेर बब्बर हूँ। नहीं नहीं, ये वो राज बब्बर है जिन्होंने पहले जीनत अमान की और उसके बाद पद्मनी कोल्हापुरे की इज्जत लूटी थी। क्या? दो दो लड़कियों की इज्जत लूट के पसीना तान के बात करता है? नहीं, उसकी तो सजा भी इन्हें मिल चुकी है। जीनत अमान ने इन्हें वो गोली मारी कि भाई हो गए। तो मेरे सामने क्या भूत खड़ा है? जी नहीं, भूत नहीं, मैं तो वो फिल्म इंसाफ का तराजू की बात कर रहा था, उसी में इन्होंने ये सब कुछ किया था। फिल्म? हाँ, क्या फिल्म थी साहब। वाह, एक 5 रुपए वाली टिकट 25 रुपए में ब्लैक की थी। और ये है मशहूर फिल्म अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी। इनके गोलमाल में हमने बहुत माल कमाया था ब्लैक में। फिल्म की शूटिंग हो रही थी? जी हाँ, शूटिंग हो रही थी। कैमरा था? कैमरा? जी नहीं हुजूर, कैमरा था लेकिन गाड़ी में रखा हुआ था। परमिशन कहाँ है शूटिंग की? देखिए, परमिशन प्रोडक्शन मैनेजर के पास होगी। आप हम लोगों को खामखा हैरान कर रहे हैं। हैरान? खुले रास्ते पर लड़की की इज्जत लेने की शूटिंग करते हो और कहते हो हैरान? सारे देश में जुर्म बढ़ रहे हैं फिल्म देख देख कर, कहते हो हैरान? सर सर सॉरी सर, लेट हो गया। ये रही परमिशन। सॉरी। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। गुस्ताखी माफ हो हुजूर। आप लोग सारे समाज की बुराइयां हम फिल्म वालों पर ही क्यों थोपते हैं? आपकी भागलपुर जेल में जो कैदियों को अंधा किया गया, क्या किसी फिल्म का नतीजा था? अलीगढ़, बड़ौदा, मेरठ में जो दंगे फसाद हुए, क्या किसी फिल्म को देखकर हुए? हर रोज अखबारों में सीमेंट स्कैंडल्स, नाजायज शराबें बिक रही हैं, हजारों लोग मर रहे हैं, क्या किसी फिल्म का नतीजा? वाह वाह, लगता है जैसे कादर खान के डायलॉग बोल रहे हो। वैसे सर एक बात बोलूं, हमारे एक बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं उत्पल दत्त, गोलमाल में उन्होंने मेरे पिताजी का रोल किया था। आपकी शक्ल, आप उनके चुड़वा भाई लगते हैं। बिंदिया जी, कहां वो महान कलाकार उत्पल दत्त और कहां ये पुलिस अफसर। नहीं, वैसे आपकी शक्ल उनसे मिलती है मगर अक्ल जरा। मगर अनिता, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। तुम तो सब कुछ जानती हो। दुनिया तो नहीं जानती, धुरेंद्र भटवाड़ेकर तो नहीं जानता जिसने हमें एक साथ घूमते फिरते देखा, खाते पीते देखा है, गाना गाते देखा है। अब ये बच्चे ना लड़की कहां जाए बताइए, कौन करेगा इससे शादी बोलिए। अनीता, तुम अगर चाहो तो मैं देखूं कोई लड़का। आप क्यों नहीं हिम्मत करते? आप क्यों नहीं कहते कि हाँ अनीता, मैंने तुम्हें प्यार किया है, मैं अपनाऊंगा तुम्हें, मैं करूंगा तुमसे शादी। मगर अनीता, मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। तलाक दे दीजिए। आप मेरे पापा को नहीं जानते, अपनी इज्जत जान से प्यारी है उन्हें। एक बार उन्होंने एक ही घूंसे में अपने सबसे प्यारे घोड़े की खोपी चूर चूर कर दी थी। जानता। हाँ, जानते हैं क्यों? क्योंकि वो रेस में सेकंड आया था। मैं भी जिंदगी की रेस में हार चुकी हूँ। धुरंधर भटवाड़ेकर फोन करेगा हाँ या ना जानने के लिए,
अगर जवाब में ना मिली तो मेरी लाश मिलेगी आपको यही इसी जगह। नहीं, नहीं ऐसा मत कहो अनिता। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब एक आखिरी इच्छा और पूरी कर दीजिए। मेरा क्रियाकर्म आप ही कीजिएगा अपने हाथों से। अनिता चलो हो गया? काम हो गया, चलो बैठो। अरे जीजा जी आप? दीदी देखो तो कौन आया है। कैसी हो उर्मिला? ठीक हूँ, मनाने आए हैं ना। किसे? दीदी को। निकी कहाँ है? मम्मी के साथ बाजार गई है। सच सच बताइए झगड़ा हुआ है ना आप लोगों में? तुमसे किसने कहा झगड़ा हुआ है? फिर दीदी उदास उदास क्यों रहती है? कौन है उर्मी? एक कप चाय नहीं पिलाओगी? जरूर, क्यों नहीं। कागजात कहाँ हैं? कैसे कागजात? तलाक के कागजात, मैं साइन कर देती हूँ। तलाक? निमा, निमा तुम अगर एक दिन और रुक सकती हो तो तलाक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक दिन और? क्या मतलब? तुम्हें किस मुंह से बताऊं मैं अपने ही बनाए जाल में फंस गया हूं और सब कसूर मेरा ही है। वो मेरी सेक्रेटरी है ना, अनिता सूद, प्यार करने लगे मुझसे। प्यार? निमा तुम अच्छी तरह जानती हो कि जिंदगी में मैंने सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया है और वो हो तुम। अनिता के साथ मैं पता नहीं क्यों, किस लिए, पर जो कुछ भी किया है मैंने। निमा तुम मुझे गलत न समझना और हो सके तो मुझे माफ कर देना, सिर्फ यही कहने आया था मैं। सुनो, कहाँ जा रहे हो? अब तो जीने का कोई मतलब ही नहीं रहा। इधर आओ, इधर आओ। यहां बैठो, अब मुझे सब कुछ पता। अनिता को लेकर मैं इधर उधर घूमा, खाना वाना खाया, वो सब मैं जानती हूँ। तुम उन्हीं जगहों पर मुझे भी लेकर गए थे। निमा, निमा विश्वास करो अनिता से मेरा कोई वैसा संबंध नहीं था, लेकिन एक प्राइवेट जासूस ने अनिता की और मेरी फोटो निकाली और अब वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है। ब्लैकमेल? तो पुलिस को खबर क्यों नहीं करते तुम? कल धुरंधर भाटोड़ेकर फोन करेगा। क्या नाम बताया तुमने? धुरंधर भाटवड़ेकर, वही जासूस। धुरंधर भाटवड़ेकर, वो बड़े आदमी जिनके सर पे बाल कम है? नहीं तो, अच्छा खासा जवान आदमी है। धुरंधर भाटवड़ेकर नाम के दो आदमी तो नहीं हो सकते, जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं अंकल को फोन करती हूँ। अंकल? हाँ, मेरे डैडी के दोस्त। धुरंधर भाटवड़ेकर। हेलो अंकल, मैं निर्मला बोल रही हूँ। हेलो निर्मला, कैसे याद आई अंकल की? निकी का कोई भाई बहन तो नहीं आ गया? नहीं अंकल। अंकल मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बात यह है कि एक आदमी आपका नाम लेकर, यानी कि आप बनकर, मेरे हस्बैंड को ब्लैकमेल कर रहा है। कौन, कहाँ है वो? वो सब तो मालूम नहीं, वो मेरे हस्बैंड को कल फिर से फोन करेगा। एक काम करो बेटा, अपने पति से कहो कैसे वो फोन करे, उसे एक जगह अपॉइंटमेंट कर ले और मुझे बता दे, मगर उसे शक नहीं होना चाहिए। बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो, मेरा नाम है धुरंधर भाटवड़ेकर। धुरंधर भाटवड़ेकर? गुड मॉर्निंग मिस्टर भाटवड़ेकर। गुड मॉर्निंग मिस्टर शर्मा।
मैंने तय कर लिया है मैं अनिता से शादी कर लूंगा। क्या 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 क्या? हाँ जैसा आपने कहा था मैं मेरी बीवी को तलाक दे देता हूँ। आप मुझे आज 4 बजे वाड़िया पार्क में मिलिए। ओके मिस्टर भाटोड़ेकर। क्या हुआ? सत्यानाश, वो तो अपनी बीवी को तलाक देकर अनिता से शादी करने के लिए तैयार हो गए। 4 बजे वाड़िया पार्क में बुलाया, अब मेरा क्या होगा भैया? ये सिचुएशन तो मेरे नाटक में नहीं है, ये नया मोड़ कहां से आ गया? मैं तीसरा अंक खत्म होने के पहले ही पर्दा गिराना पड़ेगा। चलो रवि भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये अजय साहब की चाल तो नहीं? अजय और चाल? अरे उसको तो आजकल की राजनीति में भी डाल दो तो चालें नहीं सीख पाएगा। 4 बज गए, मैं उस गेट पे जाके देखता हूँ, शायद वहां खड़ा हो। घड़ी में क्या बजा है? 4 बजे। 4:20 लगता है आप किसी के इंतजाम में खड़े हैं। जी जी हाँ। अजय शर्मा का ना? आपको कैसे मालूम है? मालूम है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। पूछिए क्यों? क्योंकि हम दोनों नाम भाई हैं। नाम भाई? नाम भाई? हाँ नाम भाई। मेरा नाम भी धुरंधर भाटावड़ेकर है। धुरंधर भाटावड़ेकर, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस क्राइम ब्रांच। देखिए साहब, फिल्में देख देख कर जासूस बनते हो? नहीं, ना मैं तो फिल्में देखता ही नहीं हूँ। अब बच के कहा जाएगा? पकड़ो। फंस गया। यो मोस्ट वेलकम सर। आजा माता जी, मेरा मतलब है बहन जी, आपका बच्चा कितना प्यारा है, क्या 1 मिनट में इसे गोद में ले सकता? आजा बेटा, चलिए चलिए, आप भी चलिए। बच्चों के बगैर घर संसार कितना सुना लगता है। जी हाँ। बच्चे हैं तभी तो इस पाक की शान है, वरना ये पाक तो बिल्कुल शमशान है। बिल्कुल। कैसे बेटे? सुनिए साहब, कचरी है एक खतरनाक मुजरिम भाग के इस तरफ आया, आपने देखा है? मुजरिम? मैं अभी देखता हूँ। आप ये बच्चा पकड़िए। बच्चा पकड़िए, पकड़ो। प्लीज सब, मैं आपका अखबार पढ़ सकता हूँ? पर आ तो गुजराती में चलेगा। मनो मतलब चल चल चल। अनीता, अनीता, क्या हुआ भैया? अनीता, बड़ी गड़बड़ी हो गई, जीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्यों क्यों? वो धुरंधर भाटवड़ेकर बना था ना, एक असली धुरंधर भाटवड़ेकर निकला, वो है पुलिस ऑफिसर। अब क्या होगा? होगा क्या? जेल, मिनिमम 10 इयर्स की जेल। अरे मर गए। अरे मरना बाद में, तुम घर ही पे रहना, मैं अभी कुछ कपड़े लेके आ रहा हूँ। कपड़े किस लिए? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, हम दोनों को पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, समझी? और क्या, तुम घर ही पे रहना। हाँ। हेलो हेलो निमा दीदी, मैं अनीता बोल रही हूँ। जीत गिरफ्तार हो गया है। गिरफ्तार हो गया? मगर क्यों? वो कोई धुरंधर भाटवाड़ेकर बन के अजय भैया को डराने गया था, तो असली धुरंधर भाटवाड़ेकर ने उसको पकड़ लिया। हाय राम, वो नकली धुरंधर जीत था। अनीता,
तुम घबराओ मत, मैं अभी कुछ इंतजाम करती हूँ। हेलो। हेलो, मैं नीमा बोल रही हूँ। सुनो, वो जीत है ना? जीत? हाँ भाई, वही जिससे अनीता प्यार करती है। हाँ, वही धुरंधर भाटावड़ेकर बनकर तुमको डराने आया था। हाँ? हाँ। मजाक मजाक में बेचारे पकड़े गए। देखो, तुम ऐसा करो, जल्दी से वाड़िया पार्क पुलिस स्टेशन जाओ और जमानत देकर उन्हें छुड़ा कर लाओ। ओके। रवि भैया, व्हाट? जी, मैं ऑफिसर इंचार्ज से मिलना चाहता हूँ। ओहो, आप अंदर चले जाइए। अंदर अंदर। That he has falsely impersonated a police officer. May we come in, sir? Yes, come in. बुलाए। जी, मैं ऑफिसर इंचार्ज से बात करना चाहता हूँ। आप मुझसे बात कर सकते हैं? जी। मेरा नाम है धुरंधर भाटावड़ेकर। जी मिस्टर वाड़ेकर। वाड़ेकर नहीं, भाटावड़ेकर, भाटावड़ेकर। मिस्टर भाट, मिस्टर भाटावड़ेकर, मैं बांद्रा मेंटल असाइलम से आया हूँ, मानसिक चिकित्सालय। मानसिक चिकित्सालय? जी नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर कपूर। और ये है मेरी कलीग डॉक्टर मिस रीता कुमार मंगलम। नमस्ते। नमस्ते जी। मैं क्या मदद कर सकता हूँ? जी, हमारे पागल खाने से एक बहुत ही खतरनाक मरीज भाग निकला है। वो ऐसा वैसा पागल नहीं है, पागलों का टॉप स्टार, समझिए अमिताभ बच्चन। अरे, अमिताभ बच्चन पागल हो गया? अरे, ये तो होना ही था। क्या सब पिक्चरों में काम करता है। नमक हराम, नमक हलाल, प्यारे लाल। प्यारे लाल नहीं सर, प्रोफेसर प्यारेलाल तो धर्मिंदर की फिल्म है। धर्मिंदर? वो भी जल्दी पागल हो जाएगा। जी सर, ये जो पागलों का अमिताभ बच्चन है ना, उसका असली नाम है प्रोफेसर अमृतांशु शेखर सत्यवादी। क्या नाम बताया आपने? प्रोफेसर अमृतांशु शेखर सत्यवादी। अरे वाह वाह, ये तो मेरे नाम से भी ज्यादा जबरदस्त नाम निकला। क्या भारी भरकम नाम, ठोस, बिल्कुल सॉलिड। तो उनका खुलिया क्या है? जी, एक खुलिया हो तो बताऊं। मतलब? मतलब ये कि एक दिन ये अमृतांशु शेखर सिनेमा देखने चले गए, बस सिनेमा देखने के बाद सत्यवादी का सत्यानाश हो गया। अरे, ये तो होना ही था। सत्यवादी क्या, सिनेमा देख देख कर सारे देश का सत्यानाश हो रहा है। आपने बहुत सही फरमाया सर, बस वो पिक्चर देखने के बाद वो हुलिया बदल बदल के रोमांस करता है, फाइट करता है, कभी डॉक्टर बन जाता है, कभी मेजर बन जाता है, कभी प्राइवेट जासूस बन जाता है, कभी प्राइवेट डिटेक्टिव बन जाता है। जी, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। 5 feet 10? जी, मेरा नहीं नहीं जी। वो प्रोफेसर अमृतांशु शेखर सत्यवादी का। जी, वो सत्यवादी का कुछ 5'9" होगा। जी जी, मुझे है? जी मुझे तो नहीं है, लेकिन हो सकता है हुलिया बदलता है ना, शायद। आइए मेरे साथ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती। जी, उसे मेरा नाम कैसे मिल गया? आपका नाम? जी, अपना नाम बताता है, धुरंधर भाटावड़ेकर। हाँ, तो धुरंधर भाटावड़ेकर तो बहुत फेमस नाम है ना सर। उसने किसी अखबार में पढ़ लिया होगा, आपने इतने क्राइम सॉल्व किए हैं ना, टाइम्स ऑफ इंडिया में नाम आता है, इवनिंग न्यूज में नाम आता है, मिड डे में नाम आता है, डेली में। आइए मेरे साथ। जी चलिए। यही है? जी हाँ, मुझे नकली है, आदमी असली है। अबे ला, छोड़ दो इन्हें। मेरा दिल ये पुकारे जो मेरे गम के सहारे, आजा मेरा दिल ये पुकारे आजा मेरे गम सहारे आजा। बहुत खतरनाक पागल है। ले जाओ इन्हें। हाँ, अभी अभी। कम। प्रोफेसर, प्रोफेसर, देखिए आपको लेने कौन आया है। डॉक्टर मंगलम आई है, कुमार मंगलम आई है। चलिए घर चलेंगे अभी, चलिए। प्रिया, मेरी अनारकली, मेरी लैला, मेरी हीर, एक बार कहो मेरे प्यारे धुरंधर। मेरे धुरंधर? प्यारे धुरू, प्यारे धुरू, मेरे धू। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ ये सब नहीं चल सकता, इन्हें ले जाइए यहाँ से। धू, धू,
प्रोफेसर प्रोफेसर छोड़िए छोड़िए इन्हें, चलिए हमें घर जाना है, घर चलना है, नहाना है, चलो। मेरी एक आंख धोखा नहीं खा सकती, तू ही है, तू ही है। सत्यानाश, इसको तो एक्टिंग का भूत चढ़ गया, ये खुद भी मरेगा, कमबख्त हमको भी मरवाएगा। रिटायर में लड़की के पर्दे को फाड़ कर डब्बे के शीश में लालादीन के चिराग के दुश्मन घुसने वाला तू जा। प्रोफेसर 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 छोड़िए इन्हें, छोड़िए छोड़िए, चलिए चलिए चलिए। समाना तुझे मरने नहीं देगा और धुरंधर भटावड़े का तुझे जीने नहीं देगा। मुच्छाड़ ले जाओ इसे। संस्कृति की भट्टी में जलती हुई हलाकू की लाश जब चीन की दीवार पर अंगड़ाइयां लेकर भरतनाट्यम करेगी तब पता चलेगा, तब पता चलेगा। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है? चलिए ये विजय वर्मा कहां से भाग निकला? सत्यानाश सर, अब झगड़ा दंगा फसाद हो जाएगा। क्यों? ये दोनों डॉक्टर कुमार मंगलम को चाहते हैं। अरे अनिता, यहाँ क्या कर रही हो तुम? और ये क्या पहन रखा है? प्रोफेसर, अब पता चला ये खेल इतना आसान नहीं है। प्यार करना भी आसान नहीं है, कांटों से गुजरना है, पत्थर से लिपटना है, माशूक की खातिर हमें वर्मा से लिपटना है। जीत, ये जीत मेरे साथ है और हार तेरे साथ। भूल गए अपनी वो पहली मुलाकात? ये क्या कर रहे हो तुम? चिका हुडी हप। ए, ये जो आपने कहा चिका हुती हुप, इसका मतलब क्या कहा मैंने? चिका हुती हुप। चिका हुती, हाँ वो तो जापानीज कराटे का मंत्र है। अगर किसी पागल को मार के बेहोश करना हो तो बोलना पड़ता है चिका हुती हप। दूसरी बात ये है, आपने मारा क्यों इन्हें? जी अगर मैं इन्हें नहीं मारता तो ये उसे मार देता, और अगर ये मर जाता तो आपके पुलिस स्टेशन में खून खराबा हो जाता, ब्लड शेड हो जाता। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सिचुएशन इज टोटली अंडर कंट्रोल। चिका होती हप। चलो 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 भागो यहां से, चलो। बाप रे सत्यानाश हो गया, ये बनर्जी सब कहां से आ गए? सर मर गए। क्या हुआ? जैसा आपका जेल तोड़ के कैदी लोग भाग जाता है ना, लगता है आज पागलखाना खोलकर सभी पागल लोग भाग गए। ये जो आदमी आ रहा है ना, बड़ा अजीब पागल है, अगर वो हम दोनों डॉक्टर को देख लेगा ना तो अपने सारे कपड़े निकाल के नंगा हो जाएगा और डिस्को करने लगेगा। जी, 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 उसे बाहर ही रोक लीजिए। बाहर इंस्पेक्टर जी, मुझे श्रीमान जी आ रहे हैं ना, उन्हें बाहर ही रोक दीजिए। जी थैंक यू सर। ये जो है ना सर, वो अपने आप को कलकत्ता का रिटायर्ड जज समझता है। जी हम लोग छुप जाए उस कमरे में, चलिए अंदर। चलो 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 चलो, अंदर जाना मना है। क्यों? ऊपर से हुक्म है। देखिए मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है, मुझे जाने दीजिए प्लीज। देखिए मैं मजबूर हूँ। भाई क्यों मजबूर हो? क्योंकि ऊपर से हुक्म है। एक ही राग अलापे जाते हो, ऊपर से हुक्म है। ये पुलिस स्टेशन है, कोई मिलिट्री का कैंप नहीं कि पब्लिक का आदमी अंदर नहीं जा सकता। आ जाओ। अरे आपकी तारीफ? मुझे अजीत बैनर्जी कहते हैं। अजीत बैनर्जी, हाँ हाँ। तो आप क्या काम करते हैं? करता नहीं हूँ, करता था, मैं कलकत्ता हाई कोर्ट का जज था। जज साहब, तो मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? पहले मुझे अंदर तो आने दीजिए। अंदर मैं नहीं आने दूंगा, अंदर तो मैं नहीं आने दूंगा। What do you mean? I mean this, कि अगर आपने अंदर आने की कोशिश की तो आपको हवालात के अंदर कर दिया जाएगा। अरे shut up you मुझे। अरे तू चुप, जानते हो किससे बात कर रहे हो? जाने की कोई जरूरत नहीं, हवालात साहब को, जज साहब को अस्पताल छोड़ो। पता अस्पताल क्यों भाई? पागल खाना, पागल खाना, पागल खाना। चुप तू, मैं तुम्हें हवालात के कटहरे में खड़ा करके हिंदुस्तान के जहां आजादी से पहले सैकड़ों पुलिस वाले बम से उड़ा दिए। छोड़ो पागल, नहीं तुम हो, तुम्हारे सभा सारा।
और इसे निकलना नहीं देना। नमस्ते अंकल। अरे नीमा बेटी, हाँ तुम्हारा वो जालसाज भटावड़ेकर पकड़ लिया गया है, मगर वो तो बिल्कुल पागल निकला। पागल? पागल क्यों अंकल, वो तो अच्छे खासे इंटेलिजेंट आदमी है, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है, प्रोफेसर जीत सक्सेना। जीत सक्सेना? इनका नाम तो है अमृतांशु शेखर सत्यवादी। अंकल आप जरूर किसी मिथ्यावादी को पकड़ के लाए हैं। अरे हाँ, आपके दामाद यानी कि मेरे हस्बैंड यहाँ आए थे। आए तो बहुत से आदमी, एक डॉक्टर, एक लेडी। ठहरो ठहरो, किन्होंने मुझे बेवकूफ तो नहीं बनाया? एक मिनट। अरे कहाँ गए ये लोग? हम लोगों ने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया मिस्टर भाटोड़ेकर। नीमा इधर आ बेटी। ओह माय गॉड, आप लोग अंदर क्यों? हम लोग यहीं रहने के लायक है नीमा भाभी। और तुम यहाँ कैसे फंसे? अंकल ये आपके दामाद हैं। मिस्टर भाटोड़ेकर, आपका दामाद बिल्कुल बेकसूर है। और मैं? मुझे तो आप ही ने जबरदस्ती वो बनाया ना भाटोड़ेकर। और मुझे डॉक्टर किसने बनाया? तुम दोनों बेकसूर हो मिस्टर भाटोड़ेकर, इस मंडली में कसूरवार मैं ही हूँ। समझे अंकल, ये सब नाटक था। और उस नाटक का नाटककार ये बदमाश है। नहीं नहीं नहीं, प्रैक्टिकल जोक। तो आप सब जा सकते हैं मगर चाय और बिस्किट खत्म करने के बाद। हाँ ठीक कहा आपने, चाय और बिस्किट खत्म करने के बाद आप सब जा सकते हैं मगर आप नहीं, आप रहेंगे। मैं क्यों नहीं? मैं जानना चाहता हूँ इस नाटक की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा वहीं से मिली जो सारी मुसीबतों की जड़ है, फिल्म में। मैंने एक फिल्म देखी थी जिसमें ऐसे ही झूठ का सहारा लेकर बॉस अपने सेक्रेटरी के साथ रोमांस करता है, बीवी को उल्लू बनाता है। यानी गैर कानूनी रोमांस। हमारे देश में ऐसी भी पिक्चर बनती है? ऐसी ही पिक्चरें बनती है। कौन सी फिल्म थी? पति पत्नी और वो। किसने बनाई थी? बी आर चोपड़ा ने। बी आर चोपड़ा को पकड़ कर लाओ।